डर स्टूडेंट्स असलकूम वरम वा आई वेलकम यू ऑल इन दिस एग्ज़ैम फोकसड वी इन से ना वी आर कंड फस्ट ऑफ टू सेफ़ एट विच इज़ ऑर्डिट एंड एश्योरेंस द टाइमिंग ऑफ द सेशन वुड बी फ्राम सिक्स पी एम टू नाइन पी एम With break of fifteen minutes from seven thirty to seven forty-five, these sessions are available at ICap houses Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Gujranwala, Islamabad, Peshawar, and Quetta. The students of other cities and abroad can join us using ICap Student Facebook page, which is ICap.ca Students. The students on Facebook page. Can ask their questions in comment section and WhatsApp number 0308 165 The students on Facebook page can ask their questions in comment section and on a WhatsApp number 03081659703. The material being used today. Will be available through a link in comments section of this video of this session on our Facebook page. The link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Jamshed Akhtar with us for this session. Mr. Jamshed is associate member of ICap and PIFA. He is also a faculty member at. One of the leading REIT at Lahore. He has more than six years of relevant experience. He is currently working as head of internal audit at FC College Lahore. He is also certified Internal Control Auditor, SICA, USA. Please welcome Mr. Jamshed Akhtar. Over to Thank you, sir. Thank you for your kind words. चेंज नहीं हो रहा डुप्लीकेट हो गया डुप्लीकेट में शो नहीं कर रहा एक्सटेंड एक्सटेंड पे भी प्रॉब्लम है नहीं, ये सिलेक्ट नहीं कर सकता मैं एक्सटेंड कर इसको। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू जी अस्सलाम <coughs> वालेकुम जी आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑडिट एश्योरेंस लेट्स स्टार्ट जी <coughs> चलें जी सबसे पहले एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं आप ऑलमोस्ट थ्री वीक्स टाइम है आपके पास फॉर योर एग्ज़ाम तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी कि नेक्स्ट थ्री वीक्स आपने इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करने तो आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं हाउ मैनी ऑफ यू ओके बाकी लोगों ने एग्जाम अटैम्प्ट किया हुआ है so, सो हमारा एजेंडा होगा फर्स्ट फर्स्ट एजेंडा स्ट्रेटजी फॉर लास्ट थ्री वीक्स राइट अब इस स्ट्रेटजी में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि रेपिटेटिव बातें ना करें थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करें और ये देखें कि इन थ्री वीक्स में आपकी रिविजन एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बाद मैं आप लोगों से एक एनालिसिस शेयर करूँगा और ये एनालिसिस जो है ये पास्ट पेपर्स का होगा वैसे तो एनालिसिस मेरे पास तकरीबन टेन इयर्स का है लेकिन रेलिवेंट एनालिसिस जो है वो 2014 ऑनवर्ड्स है जिसमें हम थोड़ा ये देखेंगे कि एग्जामिनर के प्रायोरिटी एरियाज़ कौन से हैं जो रेपिटेटिवली टेस्ट होते हैं क्या किस वेटेज के साथ टेस्ट होते हैं किसी भी आपकी जो सिलेबस uh, uh, की ग्रिड है उसमें और हम थोड़ा प्रडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं लेकिन इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हाईलाइट करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि मैं कोई सिलेक्टिव स्टडी को प्रमोट कर रहा हूँ बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपने स्मार्ट स्टडीज़ करनी है आपने फोकस उन एरियाज पे रखना है जो ज़्यादा फेवरेट हैं इस अपकमिंग अटैम्प्ट के लिए सो दैट यू कैन स्क्योर मैक्सिमम मार्क्स उसके बाद हम रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन हम इसमें फॉलो करेंगे एग्जामिनर को उसकी स्ट्रेटजी को हम बिल्कुल भी जो प्रैक्टिकल ऑडिट है कि हम अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर लें उसके बाद हम परफॉर्मेंस देखें उसके बाद हम जो है वो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग पे चले जाएं ऐसा नहीं करने वाले हम टारगेट करेंगे वो स्पेसिफिक टॉपिक्स जिन जो कि एग्जामिनर के फेवरेट हैं अब इस स्टेज पर मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेजेस ऑफ ऑडिट क्या होती हैं हर स्टेजेस की सब स्टेजेस क्या होती हैं कौन से स्टेजेस में कौन से स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं आपका भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रैक्टिकली ऑडिट करना नहीं है बल्कि एग्जाम फोकस प्रिपरेशन करना है अब प्रैक्टिकली ऑडिट आपने पिछले थ्री फोर मंथ्स में काफ़ी हद तक लर्न कर लिया है जो आपको हेल्प आउट करेगा तो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे अपने उन टॉपिक्स को उन चैप्टर्स को जो कि फ्रीकुंटली टेस्ट हो रहे हैं उनको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करेंगे हमारा जो ये सिक्स सेवन आवर्स का एजेंडा है उसमें इन टर्म्स ऑफ मार्क्स मेरा जो टारगेट है वो एटी टू नाइन्टी परसेंट है एंड मे बी इन टर्म्स ऑफ चैप्टर हम सेवेंटी और सिक्सटी फाइव परसेंट तक जो है वो कवर इन शह करेंगे इसके अलावा हम कुछ की क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग भी देखेंगे देखिए ड्राफ्टिंग एक ऐसा स्किल है जिसको हमने अच्छे से लर्न करना है एग्जामिनर को जो हमने अपना इम्प्रेशन देना है अपनी अंडरस्टैंडिंग का अपनी कॉन्सेपचुअल जो क्लैरिटी uh, है वो देना है थ्रू ड्राफ्टिंग राइट अगर हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है हमारे माइंड में एक अच्छा आंसर ज़रूर है लेकिन हम उसको पेपर पे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे तो एग्जामिनर हमें उसके मार्क्स नहीं देगा तो टॉपिक वाइज क्या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ड्राफ्टिंग के वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा ये प्रडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉसिबल स्नैरियो किसी भी टॉपिक में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है बेस्ड ऑन पास पेपर्स एंड बेस्ड ऑन ट्रेंड एनालिसिस ये हमारा जी एजेंडा होगा तो इस एजेंडा में आते हैं जी सबसे पहले हम अपने नेक्स्ट थ्री वीक्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं लेकिन थ्री वीक्स की स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले एक थोड़ी सी सेल्फ इवेल्यूशन आपने करनी है कि वेयर यू स्टैंड एट दिस मोमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वट इज द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन ये आपने देखना है सबसे पहले और जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे आप होंगे उससे ऑनवर्ड्स अपनी प्रिपरेशन को बिल्ड करना है तो मैं एक स्टूडेंट को थ्री लेवल्स पे डिवाइड करता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन मेरे नज़दीक लेवल वन या बेसिक प्रिपरेशन लेवल ये है कि आपने चैप्टर या टॉपिक वाइज रिवीजन की है और चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस की है अब ये आप ड्यूरिंग क्लासेस कर सकते हैं या क्लासेस के बाद अगर इस दफ़ा आपने क्लासेस नहीं पढ़ी तो आपने सेल्फ स्टडी करके एक दफ़ा वन बाय वन सारे टॉपिक्स डिस्कस किए होंगे और उसके बाद उनके क्वेश्चंस एंड आंसर किए होंगे और मोस्टली आपने जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो आप उनका सिर्फ सोल्यूशन ही रीड कर रहे होते हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एट्टी टू नाइन्टी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन हमने कर ली है दिस इज एग्जाम लेवल प्रिपरेशन और इसके साथ वो एग्जाम में बैठते हैं इन माई ओपिनियन दिस इज़ बेसिक लेवल प्रिपरेशन ये वो लेवल है जो आपको एक 30, 40 परसेंट ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि ये टॉपिक है क्या ऑडिट एंड अश्योरेंस क्या है इसमें क्या डिफरेंट चैप्टर्स हैं इसके किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं क्या पास पेपर्स होते हैं तो यहाँ तक जो है स्टूडेंट समझता है कि मेरी प्रिपरेशन होगी और वो इसके साथ जाके एग्जाम में बैठ जाता है ठीक है जी तो दिस इज बेसिक लेवल प्रिपरेशन आपने अपनी प्रिपरेशन को यहां से अपग्रेड करना है एंड आई एम एज्यूमिंग आप सब लोग इस लेवल ऑफ प्रिपरेशन को अचीव कर चुके होंगे एटलीस्ट बेसिक लेवल को तो अब आपने इससे नेक्स्ट लेवल को अचीव करना है अब देखें नेक्स्ट लेवल क्या है इस पर फोकस करें कि आपने अपने कोर्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं थ्री फोर या फाइव कॉम्बिनेशन इन कम्बिनेशन को आपने वन गो में रिवाइज़ करना है मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा अभी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं लेट से आप अपॉइंटमेंट में जो डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट यूज़ हो रहे हैं उनको एक कम्बिनेशन बनाएं परफॉर्मेंस का एक कम्बिनेशन बनाएं रिपोर्टिंग का एक कॉम्बिनेशन बनाएं कोड ऑफ एथिक्स को वन गो में रिवाइज करें आपका जो ऑडिट uh, प्रोसीजर्स के चैप्टर्स हैं सब्सटेंटिव आपके uh, जो एट नाइन एंड टेन है इसको एक कॉम्बिनेशन बना लें इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशन में वन गो में अपने कोर्सेज रिवाइज करें अपना सिलेबस रिवाइज करें और फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें अब इसका आपको बेनिफिट क्या होने जा रहा है देखें टॉपिक वाइज में आप बहुत फोकस्ड होते हैं लेट्स से आप रिलेटेड पार्टी का टॉपिक कर रहे हैं आपने एक क्वेश्चन ओपन किया आपको पता है क्वेश्चन रिलेटेड पार्टी का होना आप अपॉइंटमेंट देख रहे हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली आप जब क्वेश्चन को रीड करते हैं तो बैक 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 ऑफ योर माइंड आपको पता है कि ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है मैंने इस पर अपॉइंटमेंट देखनी है लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता एग्जाम में आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं किसी एक टॉपिक का होता है और समटाइम्स मल्टीपल टॉपिक्स का होता है उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं आपका माइंड आपका ब्रेन ट्रेन ही नहीं होता टू हैंडल मल्टीपल टॉपिक्स एट द सेम टाइम तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं जब आप कोर्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं टू हैंडल मल्टीपल टॉपिक्स एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ चैप्टर 14 को देख लें तो उसमें फाइव टू सिक्स डिफरेंट टॉपिक्स हैं आप वन गो में चैप्टर 14 रिवाइज करें फिर वन गो में उसके आंसर क्वेश्चन uh, करें आप ट्रेन करेंगे अपने माइंड को बिटवीन अन ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन की ऑर्डिट मैटर एम्फसेज ऑफ मैटर गोइंग कंसर्न सबसिक्वेंट इवेंट्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे आपको नहीं पता कि ये मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की तरफ चला जाएगा मॉडिफिकेशन की तरफ चला जाएगा या ये एम्स ऑफ मैटर पूछ लेगा राइट right? तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं टू हैंडल मल्टीपल स्नैरियोज एट द सेम टाइम तो आपने क्या करना है कोर्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रिवाइज करना है थ्री टू फोर कॉम्बिनेशन बना लें और उसके बाद आपने उन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करने हैं वन गो में वन गो में और क्वेश्चन अब आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका सोल्यूशन रीड नहीं करना आपने सोल्यूशन को सोचना है स्ट्रक्चर बनाना है अपने माइंड में और स्ट्रक्चर के साथ कुछ क्वेश्चंस की आपने ड्राफ्टिंग भी करनी है देखें स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप 70, 80 परसेंट स्ट्रक्चर पेपर पे ट्रांसलेट कर सकते हैं लेकिन अगर आप क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका आंसर रीड कर लेते हैं तो आपको कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता अनलेस के आप फर्स्ट या बेसिक लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो दिस इज लेवल टू प्रिपरेशन आज अगर आप बेसिक लेवल पर बैठे हुए हैं तो आज के सेशन के बाद आपने लेवल टू प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और विद इन वीक और सो मे बी इन टेन डेज आप लेवल टू प्रिपरेशन अटेंड कर लेंगे उसके बाद आ जाए जी लेवल थ्री दिस इज एग्जाम लेवल प्रिपरेशन दिस इज एग्जाम लेवल प्रिपरेशन अब इसमें क्या करना है अब इसमें योर कोर्स योर सिलेबस योर इंटायर सिलेबस ज वन यूनिट उसकी एक इंडिपेंडेंट रिविजन हो रही होनी चाहिए इ रिस्पेक्टिव ऑफ टॉपिक लेवल टू पे आके आपको पता चल गया होगा कि आपके कौन से एरियाज वीक है अब वीक एरियाज पे फोकस करना है और जो आपकी प्रैक्टिस है प्रैक्टिस जो आपने करनी है प्रैक्टिस जो आपने करनी है वो अब पास्ट पेपर से करनी है ठीक है जी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स डोंट यूज टॉपिक वाइज बुक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक्स एट दिस स्टेज पास्ट पेपर्स डाउनलोड करें और पास्ट पेपर्स में अब आप इंटायर कोर्स को रिवाइज कर चुके हैं कोई सा पास्ट पेपर डाउनलोड करें और कहें कि इसके लेट्स से मैंने जो सेवन क्वेश्चन है एट क्वेश्चन है उसमें से थ्री मैंने ड्राफ्ट करने थ्री क्वेश्चन को मैंने सोचना है उनके सोल्यूशन को और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको मैंने उसको रीड कर लेना क्योंकि वो रेपिटेटिव क्वेश्चन है या किसी स्टेज में मैं पहले कर चुका हूं तो इस तरह से आपने आ, आपने पास्ट पेपर ओरिएंटेड हो जाना है और टॉपिक वाइज से बाहर आ जाना है। अब ड्राफ्टिंग जो आप यहां पे कर रहे होंगे फुल या पार्शल ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे देखें जब तक ऑडिट को लिखेंगे नहीं ऑडिट पास नहीं होना अश्योरेंस जो आपको मिल सकती है कि ऑडिट मैं कंफर्टेबली पास कर जाऊं आपको लिखना पड़ेगा ड्राफ्टिंग करनी होगी कभी आपने सोचा है कि एफ ए आर टू का पेपर आप कंसोलिडेशन का क्वेश्चन किए बगैर जाके बैठ जाएं? कभी जहन में ऐसा ख्याल ही आया हो नहीं आया होना लेकिन ऑडिट में उसी ऑल्टरनेटिवली ऑडिट में यह ख्याल नहीं आया होना कि एक दफा लिख ही लूँ, ड्राफ्टिंग कर लूं देखिए जो मीडियम ऑफ परफॉर्मेंस है उस मीडियम पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफॉर्म कैसे करेंगे राइट right? ये क्रिकेटर्स जो है जहां पे भी जाते हैं सीरीज खेलने वहां पे जाके पहले प्रैक्टिस क्यों करते हैं उस पिच पे क्योंकि मीडियम ऑफ परफॉर्मेंस वो है पाकिस्तान की पिच पे प्ले करने के बाद ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो आप भी बिना ड्राफ्ट किए पेपर में परफॉर्मेंस नहीं दे सकते सो यू हैव टू ड्राफ्ट आगे दो और पेपर्स आ रहे हैं आपके जिसमें एक्सटेंसिव ड्राफ्टिंग चाहिए सी फैफ सिक्स एम एस ए वन एक्सटेंसिव ड्राफ्टिंग ये ड्राफ्टिंग अगर उन पेपर्स की हम ड्राफ्टिंग का लेवल देखें तो इसका लेवल टेन परसेंट भी नहीं है तो अपने आप को ट्रेन करें आपने क्वालिफाई करना है लिखने की आदत डालें चैट जी बी टी तो नहीं होगा आपके पेपर में ठीक है उसकी फैसिलिटी आने तक तो शायद कोई दस बीस साल और लग जाए कि आपको अलाउ किया जाए कि इसमें सिनेरियो डालें और ये आपको ड्राफ्ट करके दे दें तो आपने ड्राफ्ट करना है एंड बिफोर योर एग्जाम ड्राफ्ट एटलीस्ट थ्री टू फोर पेपर्स इन थ्री आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स ऑन सेम टाइमिंग एज पर एग्जाम सेम टाइमिंग का मतलब यह है कि अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में बैठ के इसको ड्राफ्ट करें नाइन टू ट्वेल्व फिफ्टीन और यह कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करें आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होना है आप एग्जाम में जब बैठे होंगे आपको ऐसे लगेगा आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं आप लाइब्रेरी में बैठे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम प्रेशर रिलीज करने का ये एक वन ऑफ कह लें कि मैथड है कि आपने इस लेवल तक अपने आप को ले के आना है so, सो यहाँ पर आपने अपनी सेल्फ इवेल्यूएशन करनी है कि आप किस लेवल पर हो सकता है कोई स्टूडेंट लेवल वन पे हो किसी ने attempt दी हुई है वो लेवल टू पे हो उसको डायरेक्टली लेवल थ्री पे आना चाहिए बार बार टॉपिक वाइज रिवाइज करने का फ़ायदा नहीं है अपना लेवल अपग्रेड करें राइट और अपने आप को एग्जाम लेवल तक ले करें ठीक है जी अब थ्री वीक्स में देखें जी अगर मैं ये अज्यूम करूं कि अभी आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो लास्ट थ्री वीक्स में आपका फर्स्ट रिवीजन कैसे होना चाहिए कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करें और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें पास्ट पेपर्स के पास्ट पेपर्स शुड बी योर प्राइम फोकस पास्ट पेपर्स की तरह का क्वेश्चन आना है आपके एग्जाम में तो अगर के स्टडीज आपके पास हैं एसीसीए की या किसी और बॉडी की वो रेलिवेंट नहीं है इतनी ज्यादा मे बी वो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे दें बट वो आपको पेपर जो आ, एक स्पेसिफिक पेपर का स्टाइल है उसकी प्रैक्टिस नहीं देंगे फॉरेन बॉडीज के एग्जाम में तब जाएं जब आप आई कैप को हंड्रेड परसेंट कवर कर चुके हों राइट right? तो पास्ट पेपर्स पे फोकस करें यहां पे मैं क्या ज्यूम कर रहा हूं कि आपने ये काम नहीं किया हुआ ये एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए जो आज सोच रहा है कि मैंने पेपर देना या तैयारी करनी है उसके लिए बता रहा हूं अगर आप ये स्टेज पास कर चुके हैं फर्स्ट रिविजन की तो यू विल मूव टू सेकेंड रिविजन ठीक है जी उसके बाद आ जाए जी सेकेंड रिविजन अगेन रिवाइज मोर देन वन टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया मल्टीपल टॉपिक्स को कंबाइन करें और क्वेश्चन करें और फोकस करें राइटिंग पे इसके बाद ये वाला स्टेप कभी नहीं भूलना जेस्टेड सोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं ड्राफ्ट करके रख देते हैं जी ये आंसर ठीक है अगर आप इवेल्युएशन नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं ड्राफ्टिंग में राइट right? तो ड्राफ्टिंग को कंपेयर करें और जो पॉइंट आइडेंटिफाई करें उनको कहीं लिख लें और बार बार एक तरह के क्वेश्चन नहीं कर लें एज ए स्टूडेंट हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम होता है कि जिस टॉपिक में हम स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारी स्ट्रेंथ होती है इवन इन ऑडिट लेट से हमें रिपोर्टिंग का एरिया बहुत अच्छा लगता है तो बार बार रिपोर्टिंग एरिया की प्रैक्टिस करते रहना है ऐसे नहीं करना नाउ थर्ड रिविजन इंडिपेंडेंट रिव्यू करना है आपने ऑफ योर इंटायर सिलेबस रिविजन क्या समझ लें इसको इंडिपेंडेंट रिविजन देन पास्ट पेपर्स करने आप टॉपिक वाइज से आपने अलग रहना है डोंट गो फॉर टॉपिक वाइज इसके अलावा आपने अगर आप वेबसाइट से सोल्यूशंस देख रहे हैं तो 2015 फिफ्टीन और उससे पहले के जो सोल्यूशन है उनके हवाले से थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि आपका कोड और आपके जो रिपोर्ट के एरियाज हैं वो काफ़ी उनमें चेंजेस आ चुकी हैं तो बेहतर है कहीं से अपडेटेड सोल्यूशंस ले लें इनके और अपनी रूटीन आपने रूटीन के ऊपर भी मैं आता हूँ कि आपने अकॉर्डिंग टू पेपर आपने अपनी कैसे रूटीन मेंटेन रखनी है और ये देखें ये भी एक मैं वैसे प्रमोट क्वालिटेटिव स्टडी को करता हूँ लेकिन आपकी स्टेज पे क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी इम्पॉर्टेंट है आप एम एस ए वन पे आएंगे ऑडिट में आएंगे आएँगे सीफेप सिक्स पे तो वहाँ मैं आपको क्वालिटेटिवली पढ़ने की जो है वो जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा या गाइड करूँगा यहाँ पर आपने आर्स पे भी फोकस रखना है अगर आपके थ्री पेपर्स हैं यू शुड बी एलोकेटिंग एटलीस्ट फाइव आवर्स टू योर ऑडिट पेपर देखें अगर आप एग्ज़ाम से थ्री वीक्स पहले बैठे हुए हैं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट आउट ऑफ 24 फोर आवर्स सिक्सटीन आवर्स अपनी इसको दे रहे हैं पढ़ाई को दे रहे हैं आजकल अगर आप कम दे रहे हैं तो यू शुड बी वरीड राइट और वरीड का मतलब ये नहीं है ये सोचें कि मैं फेल हो गया हूँ नहीं आप क्या करें इनक्रीज़ करें देखिए पंद्रह सोलह घंटे आपकी स्टेज पर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है इवन फाइनलिस्ट या एम के स्टूडेंट इतना पढ़ रहे होते हैं हालांकि तब तक पहुंचते पहुंचते आपके थोड़ा एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाता है लेकिन आपके लेवल पे 15-18 घंटे पढ़ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ये आर्स दें लेकिन इसके साथ क्वालिटी ना कॉम्प्रोमाइज करें इसके साथ मोबाइल व्हाट्सएप सोशल मीडिया जिस तरह के भी यूज करते हैं वो साथ ना रखें इसमें इन आर्स में इंटरप्शन कम से कम होनी चाहिए सिर्फ नेसेसरी इंटरप्शन होनी चाहिए और आपकी जो बुक है रिविजन मिनिमम थ्री करें लेकिन अगर आप फोर्थ वन भी कर सकते हैं तो वो जरूर करें लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट थ्री रिविजन जरूर करें ये मिनिमम है फर्स्ट सेकंड और थर्ड और उसी पैटर्न पे करें जिस पैटर्न पे आपको बताया है कि फर्स्ट टॉपिक वाइज देन मल्टीपल टॉपिक्स, बुक आपका सिंगल जो है वो कोर्स उसको रिवाइज करें ठीक है जी यहां तक किसी का क्वेश्चन जी एक पेपर है तो जनाब बैठे हैं उसके लिए 12, 15, 14, 15 आवर्स बैठे देखें गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल तो खैर नहीं आएगा क्राइटेरिया हुँ. नहीं इसमें अगर आप थोड़ा सा अनइजी फील करते हैं तो इसमें फिर यह करें ना कि आप बिटवीन टॉपिक्स अपने आप को शिफ्ट कर लें रिपोर्ट एथिक्स इस तरह कर लें ड्राफ्टिंग करें आपको मैं सजेस्ट करूं आप सुबह उठ के नौ से सवा बारह एक पेपर किया करें सबसे पहले निहार मुंह ठीक है निहार मुंह नहीं करना बेहोश हो सकते हैं लेकिन आपने क्या करना है कि सुबह उठ के एक पेपर करना है और उसके बाद रिविजन करनी है और रात को सोने से पहले कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे एक पेपर रोज करना है आज से ऑनवर्ड्स आप ट्वेंटी पेपर्स करने हैं आपने हो सकते हैं कोई इशू वाली बात नहीं ठीक है आप अगर पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल uh, नहीं है कि आप दस से बारह घंटे में ऑडिट ही सिर पढ़ते रहें काफी आपको जो है वो प्रॉब्लम होगी तो इसलिए एक पेपर करना है आपने एग्जाम्स कंडीशन में करना और वो सब लोग जिनके एक या दो पेपर इवन अगर आपके दो पेपर्स हैं यू कैन मैनेज अगर आपके थ्री पेपर से फिर भी आप डेली एक पेपर मैनेज कर सकते हैं आप ऑल्टरनेटिवली करें एक दिन ऑडिट कर लें एक दिन लेट से एफ आर टू है राइट आपको मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा मेरी बातें है ना पांच है आपके और पांच ही अटेम्प्ट कर रहे हैं देखिए आप उसमें थोड़ा सा फिर स्मार्ट स्टडी की तरफ आए इफेक्टिवनेस इंक्रीज करें अपनी ठीक है आप मतलब आर्स को साइड पे रखें आप फिर टारगेटेड स्टडी करें कि आज अगर आप ऑडिट को जितना मर्जी टाइम दे रहे हैं ये चैप्टर फोर्टीन है मैंने कंप्लीट करना है लेकिन फाइव पेपर्स भी कोई इशू नहीं है ठीक है हो जाएगा इन रिवीजन में रिवीजन में बता रहा हूं आपके पास थ्री वीक्स हैं और आई एम एज्यूमिंग के एक एटलीस्ट बेसिक लेवल प्रिपरेशन सबकी हो चुकी हुई है तो नेक्स्ट थ्री वीक्स में आप टेन डेज में कर लें सेकंड आपकी रिवीजन जो क्लब करके आपने टॉपिक्स को करना है और थर्ड डिवीज़न के लिए आप रिमेनिंग डेज रख लें और उसमें कुछ आपके पेपर्स भी हैं लेकिन जो लोग दो पेपर्स वाले हैं और वन पेपर वाले वो कल से सुबह उठ के जब मैं अगले सेशन में आऊँ और आप बैठे हों तो आपने मुझे बताना है कि कितने पेपर आप अटैम्प्ट करके आए हैं ठीक है बताना है और दिखा भी सकते हैं आफ्टर ब्रेक या आफ्टर सेशन आप मुझे ड्राफ्ट किया हुआ पेपर दिखा सकते हैं और मैं आपको फीडबैक दे दूंगा उसमें जी जी नहीं डेफिनेटली मॉक तो आपने करना है और उसकी तरफ तो मैं आ रहा हूँ आगे मॉक्स करें जितने मैक्सिमम मॉक्स मिलते हैं करें और आ, पास्ट पेपर्स को बार बार रिपीट ना करें क्योंकि वो आपको फिर याद हो जाते हैं तो उनको ड्राफ्ट करने का रीड्राफ्ट करने का री re रीड करने का इतना बेनिफिट आपको नहीं होता आई थिंक ये क्वेश्चन होगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझ आती ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चन किस एरिया से जी बिल्कुल उस तरफ हम जाते हैं जी ये क्वेटा से क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम है बिल्कुल ये अभी बड़ा मिनी लेवल का प्रॉब्लम है कैफ एड पे ये प्रॉब्लम जो है ये मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है जब आप सी फैफ सिक्स और एम एस ए वन में आते हैं तो कोई इशू नहीं है अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे हर टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब है इवेलुएशन का क्या मतलब होता है एग्जामिनर का ठीक है और कहीं पे वो कोर्स ऑफ एक्शन में इम्पैक्ट देता है कहीं पे इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन नहीं देता तो ये सारी क्या रीजंस है ये हम डिस्कस करेंगे राइट एनी अदर क्वेश्चन जी चलें जी जी प्रैक्टिस प्रैक्टिस में एक ही वर्ड यूज करता हूं एंड इट इज रिक्रिएट एग्जाम्स कंडीशन रिक्रिएट एग्जाम्स कंडीशन जिस टर्फ पे जा रहे हैं आप अपनी इवेल्युएशन के लिए अपनी असेसमेंट के लिए उसको रिक्रिएट करें रिक्रिएट करें देखें एग्जाम में क्या आपके पास थ्री आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स के पेपर में ब्रेक होती है? नहीं होती हम पहली दफा पेपर जाके एग्जाम में करते हैं या मैक्सिमम एक मॉक कर लेते हैं राइट फिर बाहर निकल के क्या कहते हैं जी हर जगह बताते हैं जी बाजू में भी दर्द है और फिंगर्स और पता नहीं कहां कहां सर में तो वैसे ही होता है सर में तो हमने पहले से ही दर्द करवा लिया होता है क्योंकि हमने अपने आप को उस पूरे पूरे फ्लो से गुजारा नहीं होता जो एग्जाम के लिए जरूरी है राइट सो so, कंडीशन जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सोफे पे बैठ के नहीं करना लेट के नहीं करना बैठें अटेंटिव बैठें टेबल चेयर हो प्रैक्टिस करें मैं आपको बता रहा हूं इसमें एक एक दो दो परसेंट भी ये जितने फैक्टर्स मैं बोलूंगा कॉन्ट्रीब्यूट करें तो ये आपको थर्टी परसेंट कंपेटेटिव एडवांटेज दे जाते हैं ये फैक्टर्स ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं चाहे वो रिवीजन स्ट्रेटजी है चाहे वो प्रैक्टिस स्ट्रेटजी है ये काफी कंपेटिटिव एडवांटेज आपको देती है राइट तो रिक्रिएट एग्जाम्स कंडीशन योर सिटिंग पोस्चर योर राइटिंग स्टाइल इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम ठीक है जी आप जिस इवन जो आप स्टेशनरी यूज कर रहे हैं वो भी सिमिलर रखें सिमिलर रखें मेरी टाइपिंग स्पीड अगर मेरे लैपटॉप पे इस लैपटॉप पे बहुत अच्छी है तो मैं कोई और लैपटॉप उठाऊं तो उसमें हाफ रह जाती है एक रेगुलर जो मैं पेन यूज करता हूं पॉइंटर यूज करता हूं मैं किसी और पेन से लिखूं वो राइटिंग ही नहीं रहती तो आप ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको आपने इग्नोर नहीं करना आपने क्वेश्चंस को करते हुए अटैम्प्ट करते हुए टाइम जरूर अपना ट्रैक करना है अनलिमिटेड टाइम नहीं देना आपने आपको ठीक है जी और एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल ना दें एक दफा दो दफा तीन दफा जब आप इनकम्प्लीट क्वेश्चन छोड़ेंगे और आप देखेंगे सोल्यूशन से उसको कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कि आप तो सेवेंटी या सिक्सटी परसेंट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपका ब्रेन जो है नेक्स्ट टाइम अटैम्प्ट करते हुए एफर्ट करेगा उसको पता है एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना अदरवाइज आप क्या करते हैं आप कभी टाइम नोट ही नहीं करते ठीक है जी तो इसके लिए स्टॉप वॉच यूज करें मोबाइल नॉर्मली ना ही करें कोई स्टॉप वॉच रख लें मोबाइल पे फिर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है ठीक है मोबाइल को दूर रखना है आंसर कंपेयर करें सजेस्टेड सोल्यूशन से कमेंट्स रीड करें मार्किंग स्कीम देखें राइट right? कि किस तरह से मार्क्स एलोकेट हो रहे हैं और मोर फोकस ऑन प्रैक्टिस ड्यूरिंग लास्ट टेन डेज बिफोर एग्जाम वहां बैठ के टॉपिक्स ना याद करने पड़ रहे हो याद करने का सिलसिला पहले कर लें जहां जहां मेमोराइज करना है जहां जहां कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी लेके आनी है वो पहले कर लें आखिरी टेन डेज में बैठ के रिवाइज ना कर रहे हो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है जी रूटीन अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आजकल हमारी रूटीन क्या होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है सारी रात जागना है सारा दिन सोना है या रात तीन बजे तक जागना है उसके बाद सोना है और कोई दस ग्यारह बारह बजे उठना है और एग्जाम नाइट्स को बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आपको आ रहा होता है व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कि जी नींद नहीं आ रही प्रेशर की वजह से वो प्रेशर नहीं है वो आपने अपनी रूटीन मेंटेन नहीं की जो रूटीन आप पिछले दो तीन महीने से फॉलो कर रहे हैं एक रात में कैसे चेंज हो सकती है मेडिकली स्पीकिंग आपकी रूटीन चेंज करने में यू, के लिए यू टू टू तो थ्री वीक्स आज से अपनी रूटीन पे काम करें आपने अगर एग्जाम आपका सुबह नौ बजे है तो बारह से छह सोएं अलेवन पीएम टू सिक्स एम सो जाए सात घंटे सो जाए राइट लेकिन उठना अभी से स्टार्ट कर दें अर्ली ताकि आप एग्जाम वाले दिन भी आप ग्यारह बजे सो जाएं और फिर आप अपनी देखिएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है पेपर में जब आप जबरदस्ती या बिना सोए पेपर में जाके बैठे होते हैं तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती एफिशिएंसी नहीं होती आपको लग रहा होता है कि आप लिख रहे हैं आपका दिमाग भी चल रहा है लेकिन जितनी या इफेक्टिवनेस आपके ब्रेन ने माइंड ने प्रोड्यूस करनी होती है वो नहीं कर पाता ठीक है जी रूटीन अकॉर्डिंग टू एग्जाम करें और ये मैंने लिखा हुआ है जी टू टू थ्री वीक्स इसको कर लें वन टू टू वीक्स में भी कुछ लोग अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है वो चेंज कर लेते हैं लेकिन नॉर्मली टू वीक्स तो लग जाते हैं एग्जाम 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 नाइट समझ लें एक दो दिन पहले समझ लें इसमें अब ये बड़े क्विक से पॉइंट है ये सिर्फ एक रिमाइंडर है ये सारे पॉइंट्स आपको पता है लेकिन ये जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा ये आपने एक दो दफा पढ़ लेनी है ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें सारा जोर एग्जाम नाइट को नहीं लगाना उस दिन आपने क्या करना है आपने आपको रिलैक्स रखना है हल्का फुल्का रिविजन करना है थोड़ी सी ड्राफ्टिंग करनी है ताकि आप थोड़े एक्टिव रहें लेकिन सारी रात बैठ के नहीं पढ़ना पूरा कोर्स रिवाइज करने की कोशिश भी नहीं करनी एग्जाम नाइट एक दिन पहले कर लें या डे में कर लें एग्जाम नाइट को नहीं करना नर्व आप जो स्टूडेंट्स 10 टू 15 परसेंट मार्क्स लूज़ करते हैं वो इस पॉइंट की वजह से करते हैं प्रेशर होता है एग्जाम का आई अंडरस्टैंड बस उस प्रेशर को बट उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपके पास बहुत सारे टेक्टिक्स हैं ऑप्शन हैं ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जाम प्रेशर को रिलीज करेंगी जब आप एग्जाम को ही अपने लिविंग रूम में ले आएंगे तो फिर प्रेशर तो नहीं है राइट right? जब डेली बेसिस पे आप ICAP का पेपर कर रहे होंगे तो ईकेब का पेपर एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ न्यू क्वेश्चन ही होंगे ना पेपर तो वही होगा वैसा ही मैथड होगा सब कुछ वैसा होगा तो आप अपना एग्जाम प्रेशर रिलीज कर रहे होंगे आज से बहुत साल पहले की बात है कि के आईकेफ का पेपर कलर्ड होता था कलर्ड किसी ने देखा है कोई पुराना किसी के पास पड़ा हो किसी पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कलर्ड होता था जैसे आपकी ये कैप स्टेज है शायद ग्रीन या पिंक कलर का होता था तो साइकोलॉजिकली एक बड़ा इंपैक्ट आता था क्योंकि आपने ब्लैक एंड वाइट पेपर किया होता था प्रैक्टिस में और जब आप सेंटर में बैठते थे अचानक से पिंक पेपर आ जाता था तो ब्रेन में पैनिक होता था कि दिस इज समथिंग एल्स ये वो चीज है जो मैंने नहीं देखी ये मेरे लिए कुछ न्यू है देखिए आपका जो ब्रेन है वो सारा आपके कंट्रोल में तो नहीं है देर इज अ सबकॉन्शियस माइंड एज वेल तो एक पैनिक होता था इवेंचुअली आई कैब ने वो प्रैक्टिस खत्म कर दी अब आपका इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होता राइट तो ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी अपनी चीजें पहले से पैक करें रेस्ट करें तीन घंटे एटलीस्ट पहले उठे पेपर से ताकि आप पैनिक ना करें अपनी चीज़ें पैक कर लें बहुत ज़्यादा पहले नहीं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना और बिल्कुल अलेवन्थ आर या कुछ फाइव मिनट्स पहले भी नहीं पहुंचना थर्टी टू तो फोटी फाइव मिनट्स के बीच में वहाँ पे पहुँच जाएं जाते हुए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी में बैठ के या एग्जामिनेशन हॉल की दीवारों के साथ लग के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना पढ़ना था पढ़ लिया अपने आप को काम रखें नर्व्स को कंट्रोल रखें जितना कर सकते हैं इसके अलावा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली ऐसा होता है कि बहुत अरसे के बाद दोस्त एक दूसरे को नज़र आ रहे होते हैं तो बाहर खड़े हो क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा गपशप चल रही होती है तैयारी की डिस्कशन हो रही होती है अपनी एनर्जीज़ को बचाएँ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है इस्लाम दुआ करें और किसी पीसफुल कॉर्नर में जाके बैठ जाए किसी टॉपिक को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा फ़ाइव सिक्सटी में कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं अच्छा अगर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद कुछ होगा तो फिर क्या होगा ये काम करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आएगा आपका माइंड जो है रेलिवेंट एरिया को ट्रिगर करेगा मेमरी को और वो निकाल के ले आएगा अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा बोलना नहीं है ये मैंने आपको बता दिया अब इफ रीडिंग टाइम जो है पेपर आपको मिल गया रीडिंग टाइम उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करनी है रीडिंग टाइम को यूज करते हुए आप दो तरह के कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं नंबर वन पूरे पेपर को पढ़ने की जरूरत नहीं है रीडिंग टाइम टारगेट करें एक से दो क्वेश्चन लेट्स रिस्क है रिपोर्ट है इन दो क्वेश्चन को टारगेट करें और रीडिंग टाइम में इनको इस तरह से रीड करें कि जैसे ही आंसर शीट मिले आप पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें अब एक स्टूडेंट क्या कर रहा होगा जो इसको पूरा रीड करेगा पेपर को अब जब आप पेपर फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होंगे तो शायद 30 परसेंट चीजें आपको आती होंगी 30 परसेंट आपको लगेगा नहीं ये मैं कर लूंगा थोड़ी एफर्ट करके मैं याद कर लूंगा लिंक बना लूंगा किसी तरह एंड रिमेनिंग जो पेपर होगा वो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये पूछा गया तो एक डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक आ जाता है उस पैनिक अटैक से आप बच जाएंगे दूसरा बाकी तो लोगों के लिए ड्राफ्टिंग टाइम थ्री आवर्स है आपके लिए थ्री आवर्स एंड फिफ्टीन मिनट्स क्योंकि जो स्टूडेंट पूरा पेपर पढ़ेगा वो ड्राफ्टिंग टाइम में दोबारा उस क्वेश्चन को रीड करेगा जिसको उसने ड्राफ्ट करना है तो ये काम नहीं करना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिफ्टीन मिनट्स रीडिंग टाइम इस तरह से रीड करना है कि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दें जैसे ही आपके सामने आंसर शीट आए ठीक है जी उसके बाद जी आपने अच्छा इसको इग्नोर करें जी उसके बाद जी आपने क्या करना है जी पहले से प्रीसेट माइंड के साथ ना जाए कि मैंने कौन सा टॉपिक करना है यह क्वेश्चन ही स्टार्ट करना है नहीं पेपर को देखें जो थोड़ा सा लेंथ में आपको लगे कि फिफ्टीन मिनट्स में आप प्लान कर सकते हैं उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लें अपना टाइम प्रॉपरली प्लान करें अपनी प्रैक्टिस को यहाँ ले कर जो स्टॉप वॉच और प्रैक्टिस आप कर रहे थे उसको यहाँ पे लेके आए नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं 50 परसेंट पेपर टू आवर्स में रिमेनिंग 50 परसेंट वन आवर में और ये जो आखिरी 50 परसेंट होता है क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की ड्राफ्टिंग काफ़ी चेक करता रहता हूँ प्रैक्टिस में तो ये आखिरी 50 मिनट्स में जो आखिरी हंड्रेड वन आवर में जो फिफ्टी मिनट्स अटैम्प्ट हो रहे होते हैं ये सिर्फ स्टूडेंट ख़ुद ही पढ़ सकता है और किसी में इतने स्किल्स नहीं होते कि वो इसको रीड कर सके राइट right? तो ये काम नहीं करना पहले फर्स्ट क्वेश्चन से ही अपनी स्पीड और अपना ड्राफ्टिंग uh, स्टाइल वैसे रखना है कि आप जो जितना एलोकेटेड टाइम बनता है क्वेश्चन का उतना ही उसको दें ऑडिट का पेपर 100 परसेंट अटैम्प्ट करें 100 परसेंट अटैम्प्ट करें 80, 85, 90 ये नहीं करना 100 परसेंट टारगेट करें और ये काम नहीं करना डोंट गिव अप इन एग्ज़ाम ये जो हम पढ़ते ही सोच लेते हैं कि नहीं ये पेपर रह गया ये काम नहीं करना ये काम बिल्कुल नहीं करना इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं कि लोगों को 55, 60 मार्क्स का पेपर आता था और उन्होंने पास किया ठीक है ऑडिट में नहीं और पेपर्स जैसे आप फाइनल में आएंगे लेकिन ऑडिट में भी इट इज़ पॉसिबल आप लोग जितने भी सी के स्टूडेंट्स हैं आप एक ही तरह के सरकमस्टांसिस से गुजर रहे हैं अगर आपके लिए पेपर डिफिकल्ट है तो बाकी सब लोगों के लिए डिफिकल्ट है तो ये नहीं सोचना कि यह तीन क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से टॉपिक से हैं तो मैं अब ये जहनी तौर पर यह बना लू सोच लू कि यह पेपर मेरा पास नहीं होगा हंड्रेड परसेंट पेपर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कभी भी नहीं होगा कभी भी नहीं होगा ये याद रखना है पेपर का एक सर्टन लेवल होता है सर्टन डिफिकल्टी लेवल होता है इस स्टेज पे आप जितना मर्जी पढ़ लें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली पेपर नहीं आ सकता तो हम ट्रेंड एनालिसिस हर तरह की बातें करते हैं लेकिन वो सारी गाइडेंस के लिए पेपर क्या है कौन से टॉपिक है वो तो एग्जामिनर ने बताना ना जी ये ये बात मैंने आपसे डिस्कस कर ली ये भी कर ली अच्छा और आपकी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है उसको इग्नोर करें उससे ये होता है कि आपको लगता है कि साथ वाले को पेपर आता है वो लिख रहा है चाहे वो गलत ही क्यों ना लिख रहा हो तो उसको इग्नोर करें अगर आपने पहले पेपर कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या करें जी उसको रीड कर लें पेपर कंप्लीट हुआ बाहर निकल जाएं बाहर बहुत सारे लोग होते हैं जो सॉल्यूशन सेल कर रहे होते हैं सेल मतलब बेचने वाला सेल नहीं बता रहे होते हैं कि जी ये देखें इस क्वेश्चन में तो ये आना था इसमें तो ये आना था तो उनसे सॉल्यूशन नहीं डिस्कस करना यू कैन डिस्कस इफ़ इट इज़ योर लास्ट पेपर तब आप कर सकते हैं अदरवाइज़ अपने आप को डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ये रीड करें पेपर दें और आराम से जो है अपना सेंटर से बाहर निकल जाए अब ये जितनी बातें मैंने की हैं माई ओपिनियन ये थर्टी परसेंट इफेक्टिवनेस ला सकती है अगर आप इनको फॉलो करें बजाय आपको बड़े जनरल पॉइंट लग रहे हैं लेकिन कितने लोग हैं जो सुबह छह बजे उठते हैं ठीक है हंड्रेड परसेंट होना चाहिए राइट लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आप ज्यादा अच्छा मतलब योर नाइट ऑल और रात में पढ़ सकते हैं फिर भी एग्जाम से पहले अपनी रूटीन चेंज कर लें राइट तो ये मेरी तरफ से गाइडलाइंस थी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपसे एनालिसिस डिस्कस करूँगा और हम जरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनको स्टार्ट कर देंगे तो आपके डिपेंड करता है पेपर्स कितने हैं पहली बात तो वैसे मेरी स्ट्रेटजी जो थी एज ए स्टूडेंट मैन को शफल करता था जी इसको नुमेरिकल के बीच में लेके हैं सैंडविच करें इसको ठीक है स्टार्ट विथ नुमेरिकल पेपर देन थ्योरेटिकल देन नुमेरिकल और जैसे अगर आपके एक पेपर है तो इनको मैंने बताया आप अटैम्प्ट करें उठ के पेपर उससे भी आप इसको ज़रा बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे थर्डली अगर आपके दो पेपर्स हैं और दोनों थियोरेटिकल हैं तो फिर उनमें प्रैक्टिस का एलिमेंट ज़्यादा लेके हैं ठीक है लेकिन अगेन जो वीक पेपर है उसको ज्यादा फोकस करें कैफ पास करने के लिए सारे पेपर पास करने किसी पेपर में एग्जामेशन नहीं है कि ये चले रह गया फिर भी कैफ पास है और फर्म में बैठे होंगे ऐसा नहीं है वीक पेपर पे ज्यादा फोकस करें हर स्टूडेंट्स की स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है कुछ को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं कुछ को नुमेरिकल अच्छे लगते हैं तो जो वीक एरिया उस पर काम करें एनी अदर क्वेश्चन चले जी आगे बढ़ते हैं जी आए जी आपको दिखाते हैं जी एनालिसिस चलें जी, ये एनालिसिस है जी मैं आपको वॉक थ्रू करा देता हूं इस एनालिसिस का सबसे ऊपर आपको नजर आ रही हैं दीज आर योर अटेम्प्ट राइट और ये है जी 14 से ऑनवर्ड 14 ऑनवर्ड्स राइट right? मेरे पास वैसे टेन ऑनवर्ड्स भी है लेकिन उससे पहले क्वेश्चन थोड़े इरेलीवेंट हो जाते हैं अगर हम बहुत पीछे भी ना जाए ये आपके जो टॉपिक वाइज है उसमें आपको हेल्प करेगा जो फर्स्ट या सेकेंड रिविजन में आप कर रहे हैं तो अगर हम लास्ट सिक्स सेवन भी देख लें तो वी कैन प्रोडिक्ट और एग्जामिनर वी कैन प्रोडिक्ट और एग्जामिनर देखें ये आपके चैप्टर्स हैं जी एज पर आई कैप स्टडी टेक्स्ट ये आपके चैप्टर्स हैं राइट चैप्टर नंबर वन देखें दो मेन एरियाज हैं इस चैप्टर के एक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है नजर आ रहा है जी ये थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको यह देखें अब ठीक है जी ठीक है चले ये देखें जी आपके पास मेनली दो इसमें टॉपिक्स हैं एक आपका अपॉइंटमेंट है और दूसरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर मैं अभी सिर्फ अपॉइंटमेंट को टारगेट करूं अपॉइंटमेंट का एरिया टारगेट करूं हार्डली दो से तीन पेजेस है टू पेजेस और टू पॉइंट फाइव पेजेस अपॉइंटमेंट को अगर मैं टारगेट करूं तो देखें ऑटम ट्वेंटी टू से मैं तकरीबन अगर एट अटेंप्ट भी देखूं तो उसमें सिर्फ दो अटेंप्ट ब्लैंक हैं ये देखिए तो आई कैन रीजनेबली अज्यूम और इवन विद अटमोस्ट सर्टेनिटी अपटूटी परसेंट या नाइनटी परसेंट इस टॉपिक में क्वेश्चन आना है 90% परसेंट और आप मार्क्स देख लें ये वेरी कर रहे हैं फ्रॉम फाइव टू टेन तो फाइव टू टेन मार्क्स अगर मैंने सिक्योर करने हैं तो आई नीड ग्रिप ऑन टू पॉइंट फाइव पेजेज ऑफ योर चैप्टर वन नॉर्मली डिस्कालीफिकेशन के स्नैरियो बनाता है वो इसके अलावा थोड़ा सा अपॉइंटमेंट पर डिस्कशन कर देता है राइट right? तो इसको इतना अच्छा तैयार करें हर पॉसिबल स्नैरियो इसमें जो है वो इवेल्यूएट करें कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वो अभी मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा कि क्या पॉसिबल स्नैरियोज हो सकते हैं तो इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लें इसके साथ देखें आपके पास है बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी वो डेफिनेशन पूछ लेता है कभी वो आपको कहेगा एक जूनियर आया है उसको पता नहीं है अश्योरेंस क्या होती है फ्रॉड एर डिटेक्ट करने हम आते हैं इस तरह की बातें वो कर लेते हैं अब देखें इट इज़ दिस एरिया इज लॉन्ग ड्यू सिंस ऑटम ट्वेंटी एग्जामिनर ने इसको नहीं पूछा लेकिन इससे पहले वो क्या करता था एवरी ऑल्टरनेटिव अटैम्प्टो इसको पूछता था यह देखेंट सो दिस एरिया इज लॉन्ग ड्यू अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इसमें फोर टू फाइव मार्क्स की जरूरत टेस्टिंग करूं इस अटैप्ट में कंपनी तो करना है बेसिक कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग जो है वो ओवर ड्यू हो चुकी हुई है जो एग्जामिनर नॉर्मली टेस्ट करता था इसकी दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ है नहीं टेस्ट करने के लिए एक ये रीजन हो सकती है जिसकी वजह से वो इस उसने इस एरिया को छोड़ दिया हुआ सेकेंड रीजन ये हो सकती है कि अकॉर्डिंग टू वेटेज उसके पास शायद मार्क्स नहीं बचते तो वो इस एरिया को इग्नोर कर रहा है तो फर्स्ट एरिया जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो आपका कंपनीज एक्ट 2017, सेवेंटीन राइट उसके बाद आ जाते हैं जी हम स्ट्रेट अवे कोड ऑफ एथिक्स पे आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स आपका दो चैप्टर्स में स्प्रेड है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चैप्टर टू एंड एंगेजमेंट से रिलेटेड या थ्रेड्स जो आपके हैं चैप्टर थर्टीन चैप्टर थर्टीन को देख लें जी ये देखें जी लास्ट अटेम्प्ट टेस्टेड ब्लैंक अटेम्प्ट उसके बाद देखें ये देखे कोई अटैम्प्ट नजर आ रही है जिसमें उसने टेस्ट ना किया हो ये रो आ रही है सो so, मैं इसमें 95% फाइव परसेंट एंड अबव ये ज्यूम कर सकता हूं कि चैप्टर 13 में से क्वेश्चन आएगा कोई पेपर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें वो एथिक्स को टेस्ट ना करे जिस अटैम्प्ट में उसने टेस्ट नहीं किया था हैवी टेस्टिंग आपको नजर आ रही होगी चैप्टर नंबर टू में मोस्ट पॉबली ये देखे थर्टीन मार्क्स उसने जाके चैप्टर टू से टेस्ट कर लिया तो अगर मैं एथिक्स को एज ए कम्बिनेशन लू चैप्टर टू एंड चैप्टर थर्टीन आई अशौर, कैन से विद अश्योरिटी कि इसमें से क्वेश्चन आएगा राइट right? और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है जो पैटर्न है वही है कि आपको एक सिनेरियो गिवन होगा बताएं जी थ्रेट्स एंड सेफ गार्ड्स चैप्टर टू में आएगा अपॉइंटमेंट की बात कर लेगा फी की बात कर लेगा राइट right? सो so, ये दोनों एरियाज मेरे इंपॉर्टेंट हैं उसने इस दफा क्या किया कि इस दफा सब लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि चैप्टर थर्टीन में वो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम उसने चैप्टर टू में काफी ज्यादा टेस्टिंग कर ली थी लेकिन उसने फिर भी चैप्टर थर्टीन पे जाने के साथ साथ चैप्टर टू में से भी टेस्टिंग की राइट तो इसमें मेरा फेवरेट चैप्टर थर्टीन है लेकिन चैप्टर टू भी क्योंकि एक से दो पेजेस हैं आप चैप्टर टू को भी इसके साथ मिला सकते हैं जो एथिक्स का एरिया है राइट right? यहां तक कोई क्वेश्चन जी चले इसके बाद और मैं फ्रीक्वेंटली टेस्टेड एरिया में आता हूं जी इट इज कॉल्ड रिस्क आपको बताया जी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है रिस्क असेसमेंट वो आपसे कराता है हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है परसों उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन को हमने कैसे हैंडल करना है राइट रिस्क असेसमेंट में देखें जी उसकी टेस्टिंग अब रिस्क असेसमेंट में प्रीवियसली हिज फेवरेट वॉज 240 फोर्टी फ्रॉड रिस्क अब उसका फेवरेट है जनरल रिस्क असेसमेंट जो कि फाइनल के पैटर्न पे वो पूछता है कि इसमें फ्रॉड भी मिक्स कर देता है बिजनेस रिस्क भी कर देता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कर देता है रिस्क असेसमेंट थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स राइट एंड मे बी नेक्स्ट टाइम एक दो और चीजें भी मिक्स कर दे उसमें जो कि मैं आपको रिस्क के टॉपिक के साथ बताऊंगा ये देखें लास्ट टू अटेम्प्ट जनरल रिस्क असेसमेंट उससे पहले फ्रॉड 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 तो यहां पे इसके दो मेन फेवरेट हैं, जनरल रिस्क असेसमेंट एंड फ्रॉड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पे आप जो है एक्सपेक्ट करें इस एरिया पे और रिस्क पे जरूर क्वेश्चन आएगा प्लानिंग कम चांसेस है लास्ट टाइम उसने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको टेस्ट किया मेन वो ऑडिट रिस्क को ही टेस्ट करेगा ये ग्रिड्स नहीं है दीज आर चैप्टर्स राइट ग्रिड्स का आपको आइडिया है वो आप काफी अब उसको डिटेल से देख चुके नेक्स्ट नेक्स्ट आ जी एग्जामिनर का फेवरेट एरिया देखें जी आई टी कॉन्सेप्ट आई टी कंट्रोल्स फ्लो चार्ट इसमें इग्नोर करें फ्लो चार्ट का बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया हुआ मेनली आई टी कंट्रोल्स आई टी कंट्रोल्स में देखें लास्ट अटेम्प्ट स्किप की एग्जामिनर ने उससे पहले देखें जी कोई यहां पे स्किप की एंड मैं खाले अगर मैं लास्ट सेवन इयर्स देखूं एट इयर्स देखूं तो दो अटैम्प्ट स्किप हुई हैं और प्रीवियस अटैम्प्ट हो चुकी है तो आईटी कॉन्सेप्ट्स आपके जो जनरल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं मस्ट क्वेश्चन है जी पूछ रहे कुछ जी बिल्कुल बनती है पहले तो उसकी मजबूरी थी ना टेस्ट करना लेकिन स्टिल इट इज रेलिवेंट स्टिल इट इज रेलीवेंट क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इसमें से पूछ सकता है ठीक है जी उसके बाद आ जाए जी आपके सिस्टम्स सिस्टम्स में देखें जी सिस्टम्स भी वो आपके टेस्ट करता है ये जो सेल्स है परचेज है जैसे लास्ट टाइम उसने कैश एंड बैंक में से क्वेश्चन पूछा उससे प्रीवियस अटैम्प्ट में पे रोल को थोड़ा सा एक बेसिक सा क्वेश्चन उसने पूछा आपसे और यहाँ पे सेल्स यहाँ पे सेल्स यहाँ पे परचेज तो इन सिस्टम की आप अंडरस्टैंडिंग रखें क्योंकि इसमें वापस वो सेल और परचेज पे आ सकता है जो कि उसके ऑल टाइम फेवरेट थे इनको बड़े अरसे के बाद उसने इनको टेस्ट किया चांसेस कम है कि दोबारा इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा मेनली सेल एंड परचेज चैप्टर एट चैप्टर सॉरी नाइन नाइन पे आए जी नाइन देखें जी नॉर्मली कोई ऐसा आपका कोई ऐसी अटैम्प्ट नहीं होती जिसमें चैप्टर नाइन उसने स्किप किया हो राइट चैप्टर नाइन देखें जी लास्ट अटैम्प्ट उससे प्रीवियस अटैम्प्ट एट मार्क्स कैश एन बैंक देन ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल तो ये चैप्टर जो है इसको बड़े अच्छे से तैयार कर लें इसमें मस्ट क्वेश्चन है टेन मार्क्स बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स ट्रेंड ठीक है जी प्रोडिक्शन ऐसे ही होती है ना बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड अनलेस के कोई आपके पास कोई ऐसे एडवांस ए आई टूल्स आ जाएँ जो फ्यूचर किसी और बेसिस पर प्रडिक्ट करें अदरवाइज़ तो आप ऐसे ही करते हैं ना नेक्स्ट आ जाए जी आप टेन और एलेवन में देखें उसके पास टेन uh, जो है एट और सेवन uh, और टेन सॉरी एट और टेन एट और टेन में वो चला जाता है कभी कभी तो उनको भी आप रखेंगे लेकिन ज़रूर जो है वो uh, उसको स्किप नहीं करेंगे रिवाइज़ आप ज़रूर करेंगे अच्छा जी अब इसमें देखें जी मेरी नजर में दिस टॉपिक इज ओवरड्यू इस पर क्वेश्चन होना चाहिए ये देखें रिलेटेड पार्टी ये आपके पास रिलेटेड पार्टी की रो है ये देखें दो अटैम्प्ट ब्लैंक देन अटैम्प्ट ब्लैंक देन कंजेक्टिव क्वेश्चन सो दिस टॉपिक इज लॉन्ग ओवरड्यू और ये अच्छा टॉपिक है इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा हैं जो टेस्ट हो सकते हैं right? राइट इन दो टॉपिक्स में अब एक्सपर्ट नॉर्मली वो नहीं पूछता तो उसको इंटरनल ऑडिट में ही जाना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट जो है बड़ा आसान सा होता है वही कॉम्पिटेंस वही बातें करता है इंटरनल ऑडिट में चलें उसके पास थोड़ी वैरायटी आ जाती है कि वो आपसे पूछ सकता है कि जी आप यूजिंग द वर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट असिस्टेंस इसमें थोड़ा सा उसके पास एटलीस्ट कुछ टेस्ट करने के लिए है वहाँ पर नहीं है चैप्टर जी मैंने थर्टीन बता दिया फोर्टीन को देख लें जी फोर्टीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस दफा 14 में आप देखें ट्रेंड के मुताबिक की ऑडिट मैटर्स पूछना चाहिए और की ऑडिट मैटर में उसको इस दफा ड्राफ्टिंग पूछनी चाहिए आप लोगों से ठीक है क्योंकि बाकी चीजें वो पूछ चुका है स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड की अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट आपसे पूछ चुका है थोड़ी सी लिंकेज भी पूछ चुका है बाकी स्टैंडर्ड्स के साथ मेनली इसकी ड्राफ्टिंग रहती है और एक और एडवांस एरिया रहता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जिसमें की ऑडिट मैटर की सेक्शन जो है उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे चेंज होती है अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ ओपिनियन राइट तो ये दो एरियाज रह गए हैं जो मेरी नज़र में एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं एक जरा आसान सा क्वेश्चन बना के उसको टेस्ट कर लेना चाहिए दिस इज ऑलवेज फेवरेट आई एस ए सेवन जीरो फाइव देखें नॉर्मली हर अटैम्प्ट में टेस्ट हो रहा है और जो दो टॉपिक्स वो टेस्ट कर सकता था तीन वो उसने लास्ट अटैम्प्ट में भी कर लिए हैं अब इसमें प्रडिक्ट करना मुश्किल है कि इन तीनों में से कौन सा वो टेस्ट करेगा सो चैप्टर फोर्टीन इज योर इंपॉर्टेंट चैप्टर इसकी अगर आप वेटेज देख लें सिर्फ इस चैप्टर की मैं ग्रिड की बात नहीं कर रहा तो ये मिनिमम भी अगर किसी अटैम्प्ट में आ रहा हो सिर्फ एक दो अटैम्प्ट की एक्सेप्शन के साथ अगर मैं सिर्फ यहां से ऑनवर्ड्स देख लूं तो आप खुद काउंट कर लें तो 18 टू ट्वेंटी फाइव थर्टी तक जा रही है ठीक है जी थोड़ा सा अंदाजा हुआ है अब इस को देख के, के फोकस किन के एरिया पे करना है। इन पे फोकस करना है इनको तैयार इन करके पासिंग पासिंग मार्क्स नहीं आ सकते फोकस करना है इन पे, राइट तो अगर मैं इन हाईलाइटेड एरिया को कंसोलिडेट कर लूं तो इसमें एटलीस्ट आपका जो पेपर टेस्ट होगा या हो सकता है सिक्सटी प्लस मार्क्स सो टारगेटेड स्टडी करनी है जी हमने फोकस्ड क्या करना है जी नीचे हो जाऊँ अच्छा चैप्टर नहीं मेरे ख्याल है और जूम आउट कर दो वैसे ये शेयर हो जाएगी अब ठीक है चले जी वापस आते हैं जी जी एनालिसिस डिस्कस हो गया थोड़ा सा कोर्स की तरफ आते हैं कोर्स बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे राइट right? अब आप इस लेवल पे बैठे हुए हैं कि आपको आपने रिविजन एक या दो कर ली हुई है तो जो आपकी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क अदरवाइज लाइन बाय लाइन बहुत सारे टॉपिक्स हम नहीं कर रहे होंगे मैं उनकी समरीज और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ यह देखें जी स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ ऑडिट आपको पता है जी अपॉइंटमेंट है प्लानिंग है परफॉर्मेंस है एंड फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग है आपके सारे चैप्टर्स इसमें लिंक्ड होते हैं कुछ चैप्टर्स मल्टीपल स्टेजेस में फॉल करते हैं कुछ किसी एक में फॉल करते हैं तो अगर मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट को डिस्कस करूं तो मेनली इसमें थ्री डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को जो रेगुलेट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कंपनीज एक्ट है उसके बाद आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट कोड ऑफ एथिक्स है एंड थर्ड आपका आई एस ए टू टेन है राइट एग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट कंपनीज एक्ट जी कंपनीज एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है इट इज क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन तो ये जो जे क्लॉज और उसके नीचे जो प्रोवाइजो हैं वहां तक आपको हर लाइन के हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए राइट right? इसमें से आप तभी मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं तो आए जरा मैं आपको दिखाता हूं यह इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसको जरा हम जी स्टडी टैक्स से आप इसको देख सकते हैं जी चैप्टर वन स्टडी टेक्स्ट जी यहां से जी थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी बट इट इज योर स्टडी टेक्स्ट, यू कैन रेफर योर स्टडी टेक्स्ट, ठीक है जी ये देखिए जी क्वालिफिकेशन एंड डिस्कालिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट आपको बताया जी के चार्टेड अकाउंटेंट जरूरी है जी अगर पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडी हो या प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ मिलियन और मोर राइट तो चार्ट अकाउंटेंट है हैविंग वैलिड लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है उनके लिए भी हम हाजिर हैं लेकिन उनके लिए और भी सर्टिफिकेशन जो है उनके पास अगर प्रैक्टिस का लाइसेंस है तो वो भी ऑडिट कर सकते हैं right? राइट जो इंपॉर्टेंट इसमें एरिया है वो यहां से स्टार्ट होता है डिसक्वालिफिकेशन ए और बी में एग्जामिनर जो आपको कंफ्यूज कर सकता है बिटवीन ए एंड बी वो करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में कंफ्यूज कर सकता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ कंपनी जो कि आपका क्लाइंट है उसमें करंट भी डिस्कॉलीफाइड है और प्रीवियस भी डिस्क्वालिफाइड है अगर थ्री इयर्स एक्सपायर नहीं हुए बट इन केस ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सिर्फ करंट एम्प्लॉयमेंट डिस्कालीफाइड है अगर आपने एक महीना पहले भी डायरेक्टर की एम्प्लॉयमेंट करके रिजाइन दे दिया हुआ है तो यू कैन एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट इन द कंपनी वेयर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सर्विंग एज डायरेक्टर तो यहां पर जो मेन पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू करंट एम्प्लॉयमेंट तो इसको जरा केयरफुली देख लेना है कि सिर्फ करंट एम्प्लॉयमेंट डिस्कालीफाइड यहां एग्जामिनर एक ऐसा स्नैरियो बना सकता है लेंथी सा कि जी आप ने इस साल में साई किया आपने फिर जॉब की कंपनी में आपने जॉब छोड़ी आपने डायरेक्टर के साथ पार्टनरशिप कर दी आपने वो छोड़ी आप फिलहाल कंपनी में चले गए फिर आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली बताएं जी अब आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं है राइट right? तो मेन इसमें इस ये पॉइंट इसके अलावा जी स्पाउस ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोई आपको इश्यू नहीं है डी डी पे थोड़ा सा फोकस करें जी डी पे फोकस करें और डी पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है आपके पास आपके सामने इट इज ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस वट इज ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस नेस्ले का ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है जी ॅप्सी का क्या है जी का क्या है जी ठीक है तो ये ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन चार्टेड अकाउंटेंट्स के साथ अलाउड है और उसकी वजह से आप डिसक्वालिफाई नहीं होते आसान अल्फाज में मैं बताता हूं अगर मैंने एमसीबी से गाड़ी लीज करवाई हुई है अंडर ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस तो मैं एमसीबी का ऑडिट कर सकता हूं मैं ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूं अगर उसमें कुछ स्पेशल टर्म्स नहीं है एंड ऑर्नी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है अगर मैंने नेस्ले से लोन लिया होगा तो क्या मैं नेस्ले का ऑडिट कर सकता हूं नहीं कर सकता क्योंकि नेस्ले को नेस्ले का ऑर्नी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है लोन देना राइट ऑर्नी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजेक्शन अब अलाउड है बट इन दिस केस विद टू एक्सेप्शन और प्रोवाइजो ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन अलाउ है बट यहां पे जब उन्होंने ऑर्डनी कोर्स ऐड किया है तो इन माय ओपिनियन ये दोनों प्रोविजंस जो कि प्रीवियस कंपनीज एक्ट में थी ये डिलीट हो जानी चाहिए थी लेकिन ये उनसे स्किप हो गई है अब हम इसको कैसे रीड करते हैं कि ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजेक्शन अलाउड है बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड वन मिलियन तक ऑर्डनी कोर्स है वन मिलियन से ऊपर डिस्कालिफिकेशन है क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है ये पॉइंट समझ लें ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस एनी ट्रांजेक्शन इन ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस इज अलाउड बट इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड वन मिलियन की लिमिट है अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस वन मिलियन से एक्सीड करेगा आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हालांकि वो भी ऑर्डनी कोर्स है और आजकल जितनी इन्फ्लेशन और जितनी डिवेल्यूशन हो गई है वन मिलियन तो कुछ भी नहीं है आप जब फ्यूचर आप जैसे फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए कुछ नहीं है तो चार्ट अकाउंटेंट्स के लिए तो फिर राइट right? तो वन मिलियन इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कितने बन गए जी जल्दी से कन्वर्जन करें इतनी देर लगा दी आप लोगों ने थ्री हंड्रेड पर कन्वर्ट कर लें आजकल उससे कम नहीं मिल रहा राइट तो क्या हो गया सेफली स्पीकिंग थ्री थाउजेंड एंड कुछ डॉलर्स हाँ जी थर्टी थ्री हंड्रेड डॉलर राइट right? तो वन मिलियन की यहां पे लिमिट है और इन केस ऑफ यूटिलिटी कंपनी 90 डेज तक अगर आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो ये ऑर्डिनरी कोर्स है नाइंटी फर्स्ट डे पे यू आर डिस्कालीफाइड तो जो दो जगह पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं इट इज रिस्ट्रिक्शन इसके अलावा सारी ऑर्डनी कोर्स है यानी अगर मैं लोन ले लेता हूं एमसीबी से तो चाहे मैं एक करोड़ का ले लूं इट इज ऑर्डनी कोर्स है इट इज ऑर्नी कोर्स ट्रांजेक्शन लेकिन क्रेडिट कार्ड मैंने वन मिलियन से ऊपर नहीं जाने देना यह बात क्लियर है सब लोगों को क्लियर है इसको ऐसे रीड करना एग्जामिनर यह पूछ सकता है जी उसके बाद ई है जी गारंटी अ पर्सन हु हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इन डेटनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी अदर देन इन कोर्स ऑफ बिजनेस तो अगर आप गारंटी दे रहे पर्सन कौन है यू चार्टेड अकाउंटेंट अगर गारंटी दे रहा है किसी के लोन की नेस्ले नेस्ले को किसी ने लोन देना है आप चले गए के किसी ने पैसे देने हैं आप बीच में आ गए आपने उसकी गारंटी दे दी तो क्या सी ए या चार्टेड अकाउंटेंट और कोर्स में गारंटीज देते हैं नो राइट तो आप डिस्कालीफाई हो जाएंगे अ पर्सन और फर्म वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विथ कंपनी अदर देन ऑर्डनी कोर्स तो सबके साथ आपको अदर देन कोर्स नजर आएगा लेकिन बिजनेस देखें ये भी तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होती है ना कि आप क्या करते हैं आप अपनी कम फर्म जो है अपनी सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस एटलस को दे देता है बाद में क्या एटलस का ऑर्डर नहीं कर सकता कर सकता क्योंकि ऑर्डनी कोर्स की ट्रांजैक्शन है एटलस का काम ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है राइट तो ये समझ लेना है जी उसके बाद ये जी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी बॉडी कॉर्पोरेट आपको पता है जी ऑडिट नहीं कर सकती इसके अलावा अगर आप कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कालीफाई हो जाए आप डिस्कालीफाई हो जाते हैं उसके बाद जी सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ये आती है जी अ पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन तो तीन लोग हैं पर्सन कौन है लेट्स है? आप हैं स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन एंड इन केस ऑफ फर्म यहां पे लॉ ने लिखा हुआ ऑल लेकिन असल में ये एनी है ये एनी मैंने लिखा हुआ है तो आप सब लोग इसको एनी नोट कर लें एक पार्टनर का भी अगर इशू हुआ पूरी फर्म डिस्कवालीफाई हो जाती राइट तो ऑल नहीं है एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म हु होल्ड्स एनी शेयर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी तो क्लाइंट के शेयर्स आपके पास नहीं हो सकते फर्म में से किसी एक पार्टनर के पास है डिस्कालीफिकेशन शेयर्स नहीं हो सकते क्लाइंट के और उसके एसोसिएटेड कंपनी के क्लियर किसके नहीं हो सकते आपके स्पाउस के एंड माइनर चाइल्ड के तो अब यहां पे आपने ये भी समझना है कि व्हाट इज एसोसिएटेड कंपनी तो एसोसिएटेड कंपनी का रिलेशनशिप देख लें जी ये डेफिनेशन है ये आप लोगों के पास कंपनीज एक्ट में अवेलेबल है वहां से भी जाके आप रीड कर सकते हैं एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड पर्सन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए जे के नीचे हाँ वो मैंने करवाना है डिस्कस करना है एसोसिएटेड की वजह से मैं इधर आ गया हूं right? राइट तो मैं इस डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड रीड नहीं कर रहा ये आपने कंपनीज एक्ट में देखी हुई है याद भी की हुई है तो इस डेफिनेशन पे आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कब दो कंपनीज एसोसिएटेड कंपनीज बन सकती हैं और कब दो पर्सन एसोसिएटेड पर्सन बन सकती है यह या, या आपके कोर्स का पार्ट नहीं है आपसे एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जामिनर राइट right? लेकिन ये ऊपर यूज होगी अब देखें जी प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन होल्ड शेयर प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट अब यहां पे आपके पास एक एक्सेप्शन है कि अगर अपॉइंटमेंट से पहले आपके पास शेयर हैं एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपने डिस्कलोज कर दिया और डिस इनवेस्ट कर दिया विद इन नाइनटी डेज तो आप क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट है यानी आप कमिटमेंट दे रहे होंगे ना आज कि देखिये मैं डिस्कलोज कर दिया आई हैव फाइव थाउजेंड शेयर इन नेस्ले एंड आई एम गोइंग टू डिस इनवेस्ट दीज शेयर इन नेक्स्ट नाइन्टी डेज अगर मैं नाइनटी डेज में डिस इन्वेस्ट नहीं करूंगा फिर क्या होगा क्या होगा जी मैं डिसक्वालीफाई हो जाऊंगा राइट right? दूसरा यह हो सकता है कि अगर मैंने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली और उसके बाद डिस्कलोज किया तो क्या डिस इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट है वंस यू हैव एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग दो शेयर्स तो क्या हुआ आप और सामने आ गए तो यू स्टैंड पहली बात है आपको वैसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आप डिस्कालीफाइड है तीसरा सिनेरियो मैंने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर ली स्पाउस ने जाके शेयर्स परचेज कर लिया नाइंटी डेज डिस्कलोयर और नाइनटी डेज की ऑप्शन है नहीं है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी इशू होगा ए टू जे फॉरन से डिस्कालीफिकेशन हो जाएगी कोई ऑप्शन नहीं है उसके बाद आपके पास राइट right? उसके बाद आ जाए जी यह बहुत इंपॉर्टेंट है जी अगर आप डिसक्वालिफाइड हैं किसी कंपनी में इफ इफ अ पर्सन विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी इफ ही इज ड्यू टू अबव मैंशन डिस्कवालिफिकेशन इज डिस्कालीफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट इन द कंपनी विच इज सब्सिड्री होल्डिंग एंड सब्स सब्सिड्री ऑफ दैट होल्डिंग ये देखें जी।, जी ये आप रिलेशन बना लें लेट से जी ये पेरेंट है ये सब्सिड्री है ठीक है जी कंपनी सब्सिड्री होल्डिंग कंपनी और ये इसकी सब्सिड्री है जी राइट right? तो अगर आप डिसक्वालिफाइड हैं किसी एक कंपनी में अपॉइंटमेंट इन द कंपनी विच इज कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ऑफ दैट होल्डिंग राइट तो यू आर डिस्कालीफाइड इसकी सब्सिड्री में भी आप डिस्कालीफाइड हो जाएंगे इफ यू आर डिस्कालीफाइड हेयर यू आर ऑल्सो डिस्कालीफाइड हेयर यू आर ऑल्सो डिस्कालीफाइड हेयर एंड यू आर ऑल्सो डिस्कालीफाइड हेयर यह भी याद रखना है वो बैंक वाला स्नैरियो आपके आईके आपके एग्जाम में बैंक के स्नैरियो में उसने यह टेस्ट किया होगा ना क्वेश्चन याद है किसी को वो बैंक वाला क्रेडिट कार्ड की वजह से शायद उसमें आप डिस्कालीफाइड होते हैं तो वो बैंक जिस बैंक में आप अपॉइंटमेंट सीख कर रहे होते हैं उसका शायद या तो सब्सिडी होती है या पेरेंट होती है तो इनको समझना है जी और ये ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जामिनर ने टेस्ट की है जो अभी मैं आपको बता भी रहा था कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद किसी वजह से आप डिस्कालीफाई होते हैं कोई रीजन आ जाती है ए से जे तक तो आप डिस्कालीफाई हो जाएंगे इमीजिएटली अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने पेनल्टीज वो आपसे टेस्ट नहीं करेगा ये इंपॉर्टेंट मैंने यहां लिखे हुए हैं इनको जरा देख लें जी ये नोट करने हैं जी ये नॉर्मली हम नहीं देख रहे होते जी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉन वोटिंग और प्रेफरेंस शेयर शेल नॉट बी कंसिडर टू डिटरमिन एसोसिएटेड कंपनी एंड एसोसिएटेड पर्सन एज पर अबव डेफिनेशन सिर्फ वोटिंग राइट्स जो शेयर जिनके साथ वोटिंग राइट्स होते हैं एसोसिएटेड कंपनी का रिलेशन डिटर्मिन करने के लिए आप उनको यूज करते हैं तो अगर आपके पास एक कंपनी है क्लाइंट है और आपने यह देखना है कि यह कंपनी जो है ये इसकी एसोसिएटेड कंपनी बनती है या नहीं बनती और आपको ऑर्डिनरी शेयर्स भी प्रोवाइडेड हो प्रेफरेंस भी प्रोवाइडेड हो तो आपने सिर्फ ऑर्डिनरी को कंसीडर करना है फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज प्रेफरेंस या नॉन वोटिंग शेयर्स को कंसीडर नहीं करना ये बात क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इफ पर्सन और हिस्स पाउस इज नॉमिनेटेड डायरेक्टर कौन होता है जी नॉमिनेटेड डायरेक्टर नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स कौन होते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट से नॉमिनेट होकर आते हैं अगर पर्सन या उसकी स्पाउस नॉमिनेटेड डायरेक्टर है एसोसिएटेड कंपनी में तो अपॉइंटमेंट वैलिड है अपॉइंटमेंट वैलिड है यहां पे एसोसिएटेड कंपनी में नॉमिनेटेड डायरेक्टर का रिलेशनशिप हो सकता है अलाउड है डिस्वालिफिकेशन नहीं होगी यहां पे एसोसिएटेड कंपनी में डिस्कालिफिकेशन किस रीजन किस रीजन से होगी शेयर होल्डिंग शेयर होल्डिंग राइट ये नीचे स्नैरियो है जी फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर एसोसिएटेड कंपनीज एक्स इज ऑफर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट इन ए स्पाउस ऑफ एक्स इज नॉमिनेटेड डायरेक्टर इन बी एक्स इज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट जी है या नहीं है हाँ अगर एसोसिएटेड कंपनी बन जाए पहले ये भी तो देखना है ना कि हमारे क्लाइंट की एसोसिएटेड कंपनी है कि नहीं है जी डिसक्फाइड ठीक है और डिस्क्वालिफाइड बट प्रोवाइजो इज देयर के आप डिस्क्लोज एंड डिस इन्वेस्टमेंट करने की बात करें तो यू कैन एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट ठीक है चलें जी नेक्स्ट पॉइंट देखें जी इंपॉर्टेंट पॉइंट में इफ पर्सन और हिस्पाउस इज द नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिसमें आप अपॉइंटमेंट सीख कर रहे हैं अगर उसमें अगर उसमें नॉमिनेटेड डायरेक्टर है तो डिस्कालीफाइड है क्लाइंट के अंदर चाहे डायरेक्टरशिप इलेक्टेड हो नॉर्मल डायरेक्टर हो नॉमिनेटेड हो डिस्कालीफाइड ठीक है तो नॉमिनेटेड डायरेक्टर की जो आपको कहले एग्जैम्पन है वो सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी के लिए इफ पर्सन इज पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म ये समझना विच ऑन शेयर इन द कंपनी और इट्स एसोसिएटेड कंपनीज सच शेयर शेल डीम टू बी ऑन बाय पार्टनर एंड क्लॉज जे शेल बी अप्लाइड आपको वो स्नेरियो देता है ये क्लाइंट ये कंपनी है ये इसकी एसोसिएटेड कंपनी है राइट right? इस एसोसिएटेड कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म है सीए पार्टनर नहीं वैसे कोई पार्टनरशिप है उसके से फोर्टी परसेंट शेयर हैं और आप जो के चार्टेड अकाउंटेंट हैं आप यहां पे कौन है सीए यहां पर है जो अपॉइंटमेंट यहां सीख कर रहे और आपके यहां पे टेन परसेंट शेयर्स हैं या आप यहां पे सॉरी टेन परसेंट शेयर नहीं योर पार्टनर है इन पार्टनरशिप फॉर्म इस पार्टनरशिप फॉर्म में और ये सी ए फॉर्म नहीं है जी इट कुड बी एनी पार्टनरशिप फॉर्म तो आप जो है यहाँ पे पार्टनर है तो, तो, क्या हो गया जी लॉ ये कहता है ये लिखा नहीं हुआ इसको समझ लें लॉ ये कहता है कि जो पार्टनरशिप की शेयर होल्डिंग है वो बेसिकली पार्टनर्स की शेयर होल्डिंग होती है तो इस केस में कौन सी क्लॉज अप्लाई होगी क्लॉज जे कि आपकी शेयर होल्डिंग है यू हैव टू डिस्क्लोज एंड डिस विद इन विद इन नाइनटी डेज अपॉइंटमेंट के लिए राइट नेक्स्ट पॉइंट देखें जी नींद तो नहीं आ रही इन डेटनेस ऑफ द पर्सन टू द कंपनी इज अलाउड इन ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस हाउ एयर द पर्सन शेल्ड डिस्कालीफाइड इफ अमाउंट ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अगर क्रेडिट कार्ड से इंक्रीज हो जाए वन मिलियन यूटिलिटी कंपनी से इंक्रीज यूटिलिटी कंपनी के अनपेड ड्यूज जो है वो नाइनटी डेज से इंक्रीज कर जाए डिस्कालिफिकेशन है लेकिन बाकी सारी ऑर्डनी कोर्स में जो इनडेटनेस है इट इज अलाउड कर्जा ले लें हाउसिंग फाइनेंस करवा लें गाड़ी लीज करवा लें और किस तरह का कर्जे मिलते हैं जी इंडेटनेस और किस तरह की होती है जी यही होती है मेरे ख्याल में मेन ये सारी करा लें अलाउड है मेंबर्स हैविंग लास्ट पॉइंट मेंबर्स हैविंग नॉन वोटिंग शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट प्रपोज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर नॉन वोटिंग शेयर्स के मेंबर्स जो हैं वो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट प्रपोज नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सेक्शन देखें कौन से मेंबर कर सकते हैं जी कितनी शेयर होल्डिंग हो 10 परसेंट उसमें नॉन वोटिंग शेयर्स कंसीडर नहीं करने प्रेफरेंस शेयर्स कंसीडर नहीं करने राइट right? आए जी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल में एक बोर्ड फाइल देखते हैं समरी है आपके लिए नहीं नहीं ये बेसिकली जिसके नाम पे अपॉइंटमेंट होनी है ना उसको ऑडिटर कह रहे लॉ ठीक है अगर आपकी शेयर होल्डिंग है तो अपॉइंटमेंट आपके नाम पे नहीं है ना आप पार्टनर नहीं है ना वहाँ पे और वैसे भी ट्रेनिंग की शेयर होल्डिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल बात ही है लेकिन मे भी हो भी सकती है ठीक है जी आए जी ये देखें जी अपॉइंटमेंट ये एक समरी सी बनाई हुई है आप लोगों के लिए इसको क्विकली देख लेते हैं फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं ये देखें ऑडिटर की टाइप क्या है कौन उसको अपॉइंट कर रहा है कब अपॉइंट करना है ड्यूरेशन क्या होगा उसकी रेमनड्रेशन कौन डिसाइड करेगा और उसकी रिमूवल पॉसिबल है कि नहीं है तो फर्स्ट ऑडिटर आपको पता है डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं विद इन नाइनटी डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन करते हैं और ये नेक्स्ट या फर्स्ट ए नेक्स्ट नहीं फर्स्ट एजीएम तक ये ऑडिटर रहते हैं डायरेक्टर ही इनकी रेमनड्रेशन डिसाइड करते हैं और क्या इनको रिमूव किया जा सकता है यस yes. उसके बाद नेक्स्ट है सबसीक्वेंट ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एजीएम तक इनका टेन्योर होता है एजीएम पे अपॉइंट होते हैं और एजीएम तक टेन्योर होता है नेक्स्ट एजीएम तक शेयर होल्डर्स ही इनकी रिकमेंडेशन डिसाइड करते हैं और क्या ये रिमूव हो सकते हैं यस yes, इनको भी रिमूव किया जा सकता है और रिमूवल का प्रोसेस आपके चैप्टर में कंपनीज एक्ट के पोर्शन में अवेलेबल है कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाए कौन अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स करते हैं विद इन थर्टी डेज ऑफ कैजुअल वैकेंसी करते हैं लेट से अगर डेथ होगी ऑडिटर की अंटिल नेक्स्ट एजीएम इसने कॉन्टिन्यू करना होता है डायरेक्टर इसकी रेमेंडेशन डिसाइड करते हैं क्या यह रिमूव हो सकता है नो कैजुअल वैकेंसी को आप जो लॉ का प्रोसेस है वो यूज करके रिमूव नहीं कर सकते ये याद रखना हाँ जी अनविलिंग हो जाए वो नीचे यहां चली जाएगी बात आप नहीं रिमूव कर सकते उसको राइट ऑडिटर्स नॉट अपॉइंटेड और अनविलिंग टू एक्ट इस केस में कमीशन एंट्री मारेगा जी और कब करेगा जब भी ये सिचुएशन अराइज होगी कमीशन को कैसे पता चलेगा ये सिचुएशन अराइज हो रही है क्लाइंट ही बता बताएगा क्लाइंट ही इंटीमेट करता है नेक्स्ट एजीएम तक टेन्योर होता है रेमनरेशन भी कमीशन डिसाइड करता है इसको रिमूव कर सकते हैं नो no. तो सिर्फ फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ऑडिटर रिमूव हो सकता है बाकी रिमेनिंग टू टाइप्स के ऑडिटर्स रिमूव नहीं हो सकते जी यहां तक कोई क्वेश्चन अच्छा जी एक स्लाइड रहेगी आपको ड्राफ्ट करने का बताना है जी हाउ टू ड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट ये तीन एलिमेंट होंगे आपके आंसर में तो आपको मार्क्स मिलेंगे कंप्लीट मार्क्स अदरवाइज नहीं मिलेंगे फर्स्ट क्या है कि आपने इसको ड्राफ्ट करते हुए यू हैव टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप और सर्कमस्टांसेस शेयर्स हैं स्पाउस डायरेक्टर है राइट right? ये रिलेशनशिप या सरकम देखें सरकम देखें कि क्या सरकम स्टांसेस एग्जिस्ट कर रही है क्वेश्चन में फिर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट बताएं क्लॉज जे को बताएं शेयर होल्डिंग है तो एज पर लॉ अ पर्सन हिज स्पाउस एंड हिज माइनर चिल्ड्रन कैन नॉट होल्ड शेयर होल्डिंग इन क्लाइंट और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी और इन केस ऑफ पार्टनरशिप एनी पार्टनर ऑफ द फर्म ये लिखें इसके मार्क्स होंगे किसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने ये नहीं लिखा हुआ तो इग्नोर करें एग्जामिनर की मर्जी है उसके पास टाइम नहीं हुआ, होगा आपने ड्राफ्ट करना है ये मेंशन वेदर क्वालिफाइड और डिस्कालीफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट यू कैन चेंज दीक्वेंस सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं स्टार्ट ये करें अपॉइंटमेंट इज या अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी मेड ए बी सी एंड कंपनी सी एज इज डिस्क्वालीफाइड फॉर दी अपॉइंटमेंट यहां से स्टार्ट कर लें कोई इशू नहीं है बट दीज थ्री एलिमेंट शुड बी देयर इन योर आंसर जी वन लाइनर वन स्टेटमेंट सिंपल सिंगल सेंटेंस थ्री सेंटेंसेस लिख सकते हैं आप इसमें हाँ uh -huh. जी जी मेरे ख्याल में थ्री सेंटेंसेस में आप ये लिख सकते हैं देखिए फर्स्ट सेंटेंस आप रिलेशनशिप बता देंगे और बहुत कम भी इसके मार्क्स होना तो थ्री मार्क्स कम पे नॉर्मली नहीं जाएगा लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बनाता है तो उसमें वो फिर फोर एंड फाइव तक भी चला जाता है यानी अगर उसने ये पेरेंट सब्सिडी वाला रिलेशन टेस्ट करना है तो इसमें वो फोर फाइव में भी चला जाता है ठीक है तो ये कोशिश करें कि ये थ्री एलिमेंट्स जो हैं ये आपके इंक्लूडेड हो तो क्या नहीं बताते होते आप सीक्वेंस मैंने बताया ना आप सीक्वेंस इसकी चेंज कर सकते हैं सीक्वेंस में मुझे कोई इश्यू नहीं है लेकिन ये तीन थ्री इंफॉर्मेशन आपके आंसर में होनी चाहिए ठीक है अच्छा जी मैं एक स्नहरियो बना रहा हूं आप लोगों ने मुझे बताना है कि अपॉइंटमेंट होनी है कि नहीं होनी ये कंपनी है जी ये एसोसिएटेड कंपनी है ये सीए हैं जो अपॉइंटमेंट सीख कर रहे हैं और यहां पे सीए की जो स्पाउस है वो यहां पे डायरेक्टर है राइट और ये कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी है जी अपॉइंटमेंट हो सकती है यस नो विद रेफरेंस यस यस नो no. बताएं ऐसे एक मिनट में आंसर आना चाहिए स्पाउस ऑफ डायरेक्टर नो आई कैप क्वेटा से आंसर ठीक आया जी नो सो स्पाउस ऑफ डायरेक्टर इन अ क्लाइंट इन अ कंपनी यू आर डिस्कालीफाइड बड़ा सिंपल सा सिनेरियो मैंने तो कुछ साइंस नहीं मारी ठीक है तो आपको परेशान करना था चलें अब मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं ठीक है जी स्पाउस ऑफ सी इज डायरेक्टर हेयर आप बताएं जी जी क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड क्वालिफाइड राइट अगर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहां पे कि इसके शेयर्स नहीं है यानी सिर्फ डायरेक्टरशिप है विदाउट शेयर्स क्वालिफाइड राइट right? यह डायरेक्टर इस कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं है क्वालिफाइड राइट right? तो अगर यहीं तक इंफॉर्मेशन है क्वालिफाइड क्योंकि एसोसिएटेड कंपनी की जो डिसक्वालिफिकेशन है वो शेयर्स की वजह से होती है अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं ये बता रहा हूं अब मैं थोड़ा सा इसको और सेंसिटिव कर रहा हूं यह जो एसोसिएटेड का रिलेशनशिप बना है यह ड्यू टू कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बना है अब यह थोड़ा सा केस सेंसिटिव हो गया कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल क्या होता है जी कि इन दोनों कंपनीज के ऊपर मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स कॉमन है और स्पाउस जो है सीए की वो एसोसिएटेड कंपनी में डायरेक्टर है अब यहां पे आपको जम्शन लेनी पड़ेगी या एग्जामिनर क्लैरिफाई करेगा कि इस कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में क्या ये वाला डायरेक्टर भी इंक्लूडेड है कि नहीं है अगर इंक्लूडेड है डिसक्वालिफाइड अगर इंक्लूडेड नहीं है क्वालिफाइड आप दोनों बता सकते हैं अगर क्लैरिटी नहीं है अगर क्लियर है तो फिर एक ही बताएं फिर उसके नॉलेज में इजाफा करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इस तरह से थोड़ा सा आपने क्लियर रहना है चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखना है कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर रखने हैं यहां पे हाँ जी वो भी बा, अगर सब्सिडरी बनी फिर तो खत्म हो गया ना फिर तो स्टोरी खत्म होगी अगर ये किसी वजह से सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन जाता है फिर तो स्टोरी एंड होगी सब्सिडरी के रिलेशन में क्यों डिस्कालीफिकेशन हो रही है बताएं मुझे स्पाउस यहां पे डायरेक्टर है और ये सब्सिडरी है क्यों डिस्कालिफिकेशन हो रही है डिस्कवालिफिकेशन इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास एक प्रोवाइजो है वो कहता है कि जिस कंपनी में आप डिस्कालीफाइड है आप उसकी पेरेंट में भी डिस्कालीफाइड है आप उसकी सब्सिडी में भी डिस्कवालिफाइड है और पेरेंट की सब्सिडी में भी डिस्कवालिफाइड है तो डिस्वालिफिकेशन जिस कंपनी में है वो तीन कंपनी को इफेक्ट कर रही होती है पेरेंट सब्सिडरी एंड पेरेंट की दूसरी सब्सिडरी ठीक है तो इसको हर एंगल से देखें एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके जी ऐसा ही है जी आई कैप क्वेटा बिल्कुल ऐसा है अगर आप पेरेंट में डिस्कालीफाइड हैं यू आर ऑल्सो डिस्कालीफाइड इन सब्सिडरी लेकिन इसको अनलिमिटेड चेन नहीं चला देनी कि अब यहां डिस्कालीफाइड है तो फिर तीन कंपनियां और वहां डिस्कवालीफाइड थ्री और कंपनीज मिला ले ऐसे करके पूरे पाकिस्तान को डिस्कवालीफाई नहीं कर देना आपने यहीं तक रहना है क्योंकि लॉ ने यहीं तक बताया हुआ राइट चले जी एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर हम जरा ब्रेक करते हैं ज्यादा थकावट तो नहीं हो रही कंफर्म है चलें आगे जरा इंटरेक्टिव हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमने फ्लो चार्ट के थ्रू ज्यादा डिस्कशन करनी है जी अब देखें जी ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया था जिसमें उसने कहा गया जी ऑडिटर की डेथ होगी अब रिक्वायरमेंट पर थोड़ा सा फोकस करते हैं स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन दबव सिचुएशन वट इज स्टेट इन लिस्ट जी बेसिकली उसने वर्ड कैजुअल वैकेंसी ने यूज किया उसने आपका नॉलेज टेस्ट किया कि क्या स्टूडेंट को यह पता है कि कैजुअल वैकेंसी होती क्या है तो कैजुअल वैकेंसी का एक जो पॉसिबल स्नेरियो है उसने बता दिया डेथ होगी तो अब आप कैजुअल वैकेंसी को ले लेंगे अब आप बताएंगे कि इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी थ्री मार्क्स में अपॉइंटमेंट कैसे होनी है कौन उसकी रेमेंडेशन देगा कब तक वो कंटिन्यू करेगा तीन पॉइंट लिखे आपका आंसर हो गया राइट right? उससे पहले देखें जी नाइनटीन नंबर क्वेश्चन देखें सलमान इज अ शेयर होल्डर ऑफ पोलका डॉट एंड वॉन्ट्स टू अपॉइंट ऑडिटर अदर देन एग्जिस्टिंग ऑडिटर एज परपोज बाय द बोट इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट ट्वेंटी सेवनटीन ब्रीफली एक्सप्लेन प्रोसेस अवेलेबल है टेन परसेंट शेयर होल्डिंग और उसके बाद उसने क्या करना है बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो डिफरेंस पता है एप्लीकेशन बेस्ड और नॉलेज बेस्ड में नॉलेज बेस्ड जिसमें मेमोराइज जो आपने किया वो टेस्ट हो रहा है एप्लीकेशन एप्लीकेशन आपने करनी है ऑफ योर कॉन्सेप्ट इन प्रैक्टिकल स्टेरियो इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन कुछ देखते हैं जी जो कि हमारे एक रिकरिंग फॉर्मेट पर आए ये देखें जी ये है वेल्दी बैंक लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द ईयर एंडिंग ट्वेंटी ट्वेंटी डब्ल्यू बी एल हैज शॉर्ट लिस्टेड फॉलोइंग थ्री ऑडिट फॉर्म फॉर द अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर एंड हैज प्रजेंटेड सर्टन मैटर्स रिलेटिंग टू ईच ऑफ दर कंसिडरेशन देखें जी इनमें से कौन अपॉइंट हो सकता है रिक्वायरमेंट देखें जी इन द लाइट ऑफ कंपनी राव आर एफ एंड कंपनी सी एज द फर्म रिसेंटली एडमिटेड न्यू पार्टनर हु वर्क एज सी एफ ओ टिल जून ट्वेंटी सेवनटीन ऑफ नूर इंजीनियरिंग लिमिटेड अब्सिडरी जी सब्सिडी में सी एफ ओ की जॉब छोड़े कितने साल हो गए अब हमें नहीं पता कि करंट ईयर कौन सा है तो ईयर क्या बनाएंगे अच्छा है पता ऊपर लिखा हुआ है जी तो काउंट करें जी थ्री ईयर हो गए थ्री अपॉइंटमेंट एजीएम पे होगी जी जी बताएं जी बाकी लोग भी बताएं जी थ्री इयर्स काउंट हो रहे हैं कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे ना थ्री इयर्स के अंदर अपॉइंटमेंट है लेकिन ये देखे ना ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने लिखना है क्वेश्चन में अब ये टू मार्क्स ईच है लेकिन आपने बताना है डिस्कालीफिकेशन क्यों कर रहे हैं इफ यू आर डिस्कालीफाइड फॉर दी अपॉइंटमेंट इन सबसिडरी यू आर ऑल्सो डिस्कालीफाइड इन पेरेंट ये बात लिखेंगे मार्क्स देगा ऑल दो के मार्क्स कम है टू मार्क्स है बट लिखने पड़ेंगे राइट नेक्स्ट आए इसको रीड करें जी वन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म हैज ऑप्टेन लोन फ्रॉम डब्ल्यू बी एल फॉर रुपीज फाइव मिलियन द फर्म हैज इंफॉर्म्ड पार्टनर वुड नॉट बी एबल टू रिपे द लोन टिल ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी में आया जी 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 क्वालिफाइड है अब आ, अगर आप इसको ऑर्नी कोर्स लोन लेते हैं तो, है। तो क्वालिफाइड है बैंक क्या तो ऑर्डर ही है मेरी नज़र में तो ये क्वालिफाइड है क्योंकि कुछ अर्से तक जब तक कंपनीज एक्ट जब तक आई के ने खुद नहीं टेस्ट किया किसी ने इसको टेस्ट ही नहीं किया किसी मॉक में देखें नॉर्मली क्वेश्चन नहीं होते थे लेकिन मैं इसको टेस्ट करता था क्योंकि मुझे पता है कि ऑर्डनी कोर्स की ट्रांजेक्शन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है ट्वेंटी सेवनटीन के बाद आप देखेंगे फर्म्स ने लोन भी लिए हुए हैं लीजिंग भी कराई हुई है लेकिन उनके क्लाइंट्स जो है वो उनको उनकी अपॉइंटमेंट भी हो रही है उन बैंक्स में लास्ट देखें जी हातिम अच्छा जी, राशिद राशिद वन ऑफ पार्टनर इन द दर हैज़ सेवरल कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन लाहौर ही हैज रेंटेड आउट फाइव प्रॉपर्टीज टू डब्ल्यू फॉर ब्रांच ऑफिस जी business relationship. बिजनेस रिलेशनशिप बिजनेस रिलेशनशिप जी क्या लगता है जी सोचे जरा दोनों लिखे ठीक है देखिए आपने ये नहीं देखना कि पार्टनर का ऑडनी कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं बिजनेस रिलेशनशिप तो ऑडनी कोर्स है ना देखिए एक पार्टनर का लीज लेना भी तो ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है ना क्या पार्टनर का काम होता है कि वो जाके लीज गाड़ी लीज पे ले या आप की फर्म है या आप म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में फिर उसका ऑडिट भी नहीं कर सकते तो ये आपकी हमें यहां पे ये लिखना पड़ेगा कि इफ दिस इज एन ऑर्डनी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑर्डनी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रेंट जो है वो मार्केट टर्म्स पे एग्रीमेंट किया जा रहा है क्वालिफाइड तो थ्री एलिमेंट्स होने चाहिए डिसीजन सर्कम एंड रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ इनशाला आपके एट टू टेन मार्क्स इसमें कंफर्म हो जाएंगे राइट right? चले जी लेट्स मिनट्स ब्रेक टेन टू फिफ्टीन मिनट्स उसके बाद हम थोड़ी सी अपनी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं आई हैव फ्लो चार्ट्स फॉर यू गाइज एक क्विक रिविज़न के लिए तो फिर हम जो फ़्लो चार्ट हैं उनसे कुछ टॉपिक्स रिवाइज करते हैं चले जी लेट स्टार्ट जी क्वेश्चन है कैन वी ड्राफ्ट और आंसर अजम्पशन बेस्ड जी अगर क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में तो यू कैन ड्राफ्ट योर आंसर बेस्ड ऑन अजम्पशन बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्लैरिटी होती है और अजम्पशन भी बहुत ज्यादा नहीं लेनी पड़ती आपको मैक्सिमम ऑर्डनी कोर्स की एजेंप्शन ले लेंगे या जो मैंने अभी एक स्नैरियो बताया था डायरेक्टर्स का उसकी आप एजेपन ले लेंगे कि आपका जो कॉमन कॉमन डायरेक्टरशिप है उसमें स्पाउस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है चले जी आई एस ए टू टेन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट में बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है इसमें आपको पता है नॉर्मली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आता है एक दफ़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आया है जिसमें उसने कहा है कि जी अपॉइंटमेंट लेटर में डेफिशंसीज बताएं जो जो इसके मैटर्स जो है ड्राफ्ट हुए हुए हैं तो आपको पता है जी अपॉइंटमेंट में दो बातें हमने देखनी होती हैं फर्स्ट है जी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो बिफोर अपॉइंटमेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर एंड प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती हो प्री प्री कंडीशंस जो हैं वो फर्स्ट प्री कंडीशन होती है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो तो हम ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं अदरवाइज नहीं करते और सेकेंड है प्रीमाइस अब इसमें प्रीमाइस जो है वो मेनली टू टाइप्स का है एक प्रीमाइस होता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जो दो पॉइंट्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और ये है रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन राइट तो प्रीमाइस प्रीमाइस मींस मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स इट इट्स रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल जो कि जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन अब कौन सी प्री कंडीशंस ना हो तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते सो डू नॉट एक्सेप्ट इफ प्री कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट सच एज फ्रेमवर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल मैनेजमेंट प्रीमाइज को एक्सेप्ट नहीं करती या मैनेजमेंट कोई ऐसी स्कोप लिमिटेशन इंपोज कर रही है कि जिसकी वजह से आप क्या कर रहे होंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे होंगे या आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ऐसी स्कोप लिमिटेशन यानी प्रवेसिव स्कोप लिमिटेशन अगर मैनेजमेंट इंपोज करती है लेट्स से मैनेजमेंट आज आज ही आपको कहती है अपॉइंटमेंट के टाइम पे कि आप ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे बट जो आपकी जो हमारी सब्सिड्री है उसका ऑडिट नहीं करने देंगे हम आपको तो आप इंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी एंगेजमेंट लेटर के हवाले से ये जो आपके फर्स्ट फाइव पॉइंट्स हैं इनको आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अगर आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सबसे पहले आपने ये फाइव पॉइंट्स ड्राफ्ट करने अगर वो आपसे कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर पूछता है क्योंकि आपको पता है मेन ये फाइव पॉइंट्स हैं और इसके बाद कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जिसमें से आपने चार या पांच याद कर लेने सिंपल से पॉइंट्स हैं लेकिन अगर वो आपसे इंगेजमेंट लेटर का नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर तो आपने ये पहले इन फाइव पॉइंट्स को प्रायोरिटी देनी है इनको लिखना है और फिर जो भी रिमेनिंग <coughs> पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो आपने प्रोवाइड कर देने रिकरिंग ऑडिट्स के लिए आपको पता है जी क्या आपका इंगेजमेंट लेटर उसमें ये प्रोविजन ऐड हो सकती है कि इट विल बी एप्लीकेबल टू रिकरिंग ऑडिट्स ये बात आप लोगों को पता है अगर किसी को ये नहीं पता वो पूछ सकता है इसमें कोई कन्फ्यूजन है और इसके अलावा आपको इंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना पड़ सकता है उसकी कुछ सरकम हैं वो आपकी बुक में अवेलेबल हैं जैसे अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाए बिजनेस चेंज हो जाए कोई उनको अंडरस्टैंडिंग का इशू हो स्कोप ऑफ ऑडिट चेंज हो जाए स्कोप ऑफ इंगेजमेंट चेंज हो जाए इस तरह के पॉइंट्स जो हैं इसकी वजह से फिर आपको रिवाइज एंगेजमेंट लेटर इशू करना होता है जी चेंज इन टर्म्स टर्म्स ऑफ ऑफ को कब चेंज कर सकते हैं चेंज कैन बी रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है अगर इनिशियली मैनेजमेंट ने मिसअंडरस्टैंड किया एंगेजमेंट लेटर को या कोई और जेन्य रीजन है जिसकी वजह से वो चेंज रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है वेदर रिक्वेस्ट इज रीजनेबल इफ यस एक्सेप्ट इफ नो देन डू नॉट एक्सेप्ट राइट अब चेंज में एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है चेंज चेंज इन टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट जो होती है ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेट करता है जब आप अश्योरेंस पे लोअर लेवल पे मूव कर रहे होते हैं यू मूव फ्रॉम रीजनेबल टू वर्ड्स लिमिटेड एश्योरेंस फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने चार्ट अकाउंटेंट के साथ या प्रैक्टिशनर के साथ एक एंगेजमेंट साइन की और वह एंगेजमेंट थी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिट के अलावा भी हो सकती है फाइनल में आप आके पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ कि उनका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया या डेटा की अवेलेबिलिटी क्वेश्चन हो गई तो अब मैनेजमेंट क्या चाह रही है कि इस एंगेजमेंट को कन्वर्ट कर दिया जाए लिमिटेड एंगेजमेंट में इट इज एन एग्जांपल ऑफ जेनुअन नीड दैट रिक्वायर्स चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो अब वो क्या करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करके इस एंगेजमेंट को लिमिटेड एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर देंगे लिमिटेड एंगेजमेंट की आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं रिव्यू राइट तो इस पे कोई लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट हो रही होगी जिसपे कंक्लूजन इशू हो रहा होगा इंस्टेड ऑफ ओपिनियन तो ये इसके पीछे ड्राइविंग फैक्टर है ऑडिट के हवाले से नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग का फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से ये इंगेजमेंट चेंज हो सकती है राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आई एस ए टू टेन उसके बाद आ जाते हैं जी हम कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर थर्टीन एंड चैप्टर टू तो इसको कंबाइन करके हम कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे सॉरी क्वालिटी का मैं डिस्कस करवा दूंगा वो इतनी मेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट पर नहीं है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछा उससे जब फर्स्ट टाइम क्वालिटी एप्लीकेबल थी फाइव मार्क्स की उसने पूछी है तो मे बी कोई दो तीन मार्क्स की टेस्टिंग हो जाए तो वो मैं नेक्स्ट उसमें करवा दूंगा आपको जी कोड ऑफ एथिक्स आए जी ये जी आपके कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर अगर अभी तक आपने कंप्लीट स्ट्रक्चर इसका नहीं देखा तो दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ कोड ऑफ एथिक्स जो आप फाइनल में आके रीड करेंगे रेफर करेंगे इसमें फोर पार्ट्स हैं आप मेनली इस पार्ट में है जी आपका ये पार्ट है और कुछ आपका फी से रिलेटेड सेक्शन है जो कि आपका इस पार्ट में आता है जो लास्ट टाइम एग्जामिनर ने पूछा है पार्ट टू जो है यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पार्ट टू अप्लाई होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं यानी प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन पर अप्लाई होता है पार्ट थ्री प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उन उनपे अप्लाई होता है और पार्ट फोर फोर जो है

तो ये उसके लिए था मोटिवेशन राइट आए जी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आई होप कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मैं डिटेल में दिखा देता हूं इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी के कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जी दो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है एंड ऑनेस्ट रहना है राइट अब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट या फेयर डीलिंग प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है ठीक है प्रैक्टिकली आपने ईमानदारी का सबूत कैसे देना है या आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे रहना है उसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को एसोसिएट नहीं करना ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कि या तो फॉल्स या मिसलीडिंग हो या फर्निश किए गए हो रेकलेसली यानी उनमें कंप्लीटनेस ना हो यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो उनके डिस्क्लोजर्स ठीक ना हो मैनिपुलेट हुई हुई हो टैक्स के रिटर्न्स हैं तो टैक्स की नॉन कंप्लायंस हो इन इनसे आपने अपने आप को एसोसिएट नहीं करना इनमें ओमिट या याबस्क्योर हो रही हो इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो तो आपने अपने आप को इनसे एसोसिएट नहीं करना अगर क्लाइंट आपको एसोसिएट कर लेगा आपको इन रिटर्न के साथ एसोसिएट कर देगा तो आपने अपने आप को डिसोसिएट करना है लेकिन यहां पे एक बात आपने समझनी है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज कर ले कर रहे आपने क्या किया मॉडिफाइड ओपिनियन दे के यू हैव इंफॉर्म यूजर्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इससे आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती इसके बाद जी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन इसके दो पार्ट्स हैं जी ये देखें एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है दूसरा पार्ट इसका ड्यू केयर है तो ये बेसिकली दीज आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जिनको कंबाइन करके एक बनाया हुआ है तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के दो कॉम्पोनेंट्स है एक अटेनमेंट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है एक मेंटेनेंस ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है अटेनमेंट की स्टेज पे आप बैठे हैं जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे फिर आप मेंटेनेंस की स्टेज पे आ जाएंगे मेंटेन कैसे करेंगे अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को थ्रू ट्रेनिंग्स या सीपीडीज ठीक है सीपीडीज आर्स होते हैं जो आई कैप के मेंबर्स के लिए मैंडेटरी होते हैं तो वो आपने ट्रेनिंग लेनी है कोर्सेज लेने हैं ताकि आपको स्टैंडर्ड्स का नए अपडेट्स का पता हो तो ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के दो पार्ट्स हैं उसके बाद ड्यू केयर के दो पार्ट्स होते हैं जी ड्यू केयर क्या होता है जी ड्यू केयर की फर्स्ट लेग ये है कि जो भी आप काम करें यू एक्ट एज पर एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अगर ऑडिट कर रहे हैं तो एज पर आई करें अकॉर्डिंग टू टेक्निकल स्टैंडर्ड्स करें और इसका दूसरी जो लेग है ड्यू केयर की वो है डिलीजेंस आपने एक वर्ड सुना होगा ड्यू डिलीजेंस सुना है कभी ड्यू डिलीजेंस राइट डिलीजेंस क्या है जी डिलीजेंटली का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ऑडिट कर रहे हैं कोई और अश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हैं यू शुड एक्ट या डू दैट वर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली करें वन केयरफुली करें टू थॉरली करें थ्री टाइमली करें फोर ये फोर एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें अगर एक एंगेजमेंट एक महीने में होनी चाहिए थी और आपने फोर मंथ्स में की तो डिलीजेंटली नहीं की अगर सी ए क्वालिफाइफिकेशन एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में होनी चाहिए थी और आपने वाई नंबर ऑफ ईयर्स में की तो डिलीजेंटली क्वालिफिकेशन नहीं की आपने इसलिए डिलीजेंटली करनी है राइट right? और सीए से पहले कैफ करना इसी अटेम्प्ट में तो ये डिलीजेंट का मतलब है जी ये क्लियर हो गया जी क्लियर है उसके बाद देखें जी कॉन्फिडेंशियलिटी जो मैं सिंपल से वो स्किप कर रहा हूं कॉन्फिडेंशियलिटी देखें जी कॉन्फिडेंशियलिटी व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल व्हाट इज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट अवेलेबल पब्लिकली ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है राइट ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है इट इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल यह कहता है हाँ जी आई कैप कॉटा कह रहा है सीक्रेट तो सीक्रेट के साथ पब्लिक पब्लिकली अवेलेबल ना हो ठीक है तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आपने अलर्ट रहना है कि आप इन एडवर्टन डिस्कलोयर ना करें शाम को घर जाके बताना नहीं है फैमिली को फ्रेंड्स को कि आज क्या ऑडिट करके आए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे प्रिजर्व करना है पास्ट करंट एंड प्रोस्पेक्टिव तीनों क्लाइंट्स के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना है प्रोफेशनल ड्यूटी के अलावा इसको या लॉ के अलावा इसको आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना पर्सनल एडवांटेज के लिए भी यूज नहीं करना और अगर आपके पास कोई स्टाफ है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई स्टाफ है तो ये स्टाफ भी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करेगा जैसे आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी एक्सपर्ट ऑडिटर एक्सपर्ट ऑडिटर एक्सपर्ट पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट हम अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट है हम आपको इंगेज कर रहे हैं लेकिन आपने ऑडिट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी डिस्क्लोजर कब परमिटेड है जी अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो परमिट परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज बाय क्लाइंट हो जैसे ये आप फर्म में जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल की एक्टिविटी होती है फर्म्स का ऑडिट होता है आसान अल्फाज में आई कैप आता है फर्म को कहता है एक्स वाई जी क्लाइंट्स का डाटा लेके हैं कैसे आपने ऑडिट किया तो वहां पे हम ये नहीं कह सकते नहीं ये तो कॉन्फिडेंशलिटी का मैटर है राइट right? तो वी कैन वी हैव टू प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट फैक्टर्स क्या है बिफोर डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये भी एग्जामिनर ने एक दफ़ा टेस्ट किए हुए हैं कि आप देख लें कि सारी पार्टीज का जो इंटरेस्ट है वो आप मतलब उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपने सबस्टेंशिएट कर लिए डिस्क्लोज करने जा रहे हैं नॉन इन्फॉर्मेशन है, है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद शोर नहीं है ये क्या इन्फॉर्मेशन है जो लॉ या जज साहब आपसे मांग रहे हैं किस किस तरह की कम्युनिकेशन आप देंगे रिटर्न में देंगे कोई मेमो लिख के भेजेंगे फिजिकल एविडेंस देंगे एड्रेसी कौन है जज साहब को देंगे उसके Uh, जो रजिस्ट्रार होते हैं जज के उनको देंगे अगर कोर्ट ने आपको कॉल किया है और वेदर एड्रेस ही आर अप्रोप्रिएट तो वो रजिस्ट्रार साहब अप्रोप्रिएट हैं या डायरेक्ट जज साहब के चैम्बर में जाके आपने देनी है ये इंफॉर्मेशन तो ये वाली ये वाले पॉइंट्स आपने देख लेने राइट right? इसके बाद आते हैं जी आपके थ्रेट्स थ्रेट्स की बहुत सिंपल है मैं जो थ्रेट एक्सप्लेन करूंगा वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट करूंगा सेल्फ इंटरेस्ट एडवोकेसी थ्रेट फेमिलियरिटी थ्रेट इंटिमिडेशन थ्रेट इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन सेल्फ रिव्यू के एडवोकेसी चले एडवोकेसी समझा देते हैं आपको जी सेल्फ इंटरेस्ट बहुत सिंपल है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है या कोई और इंटरेस्ट हो सकता है कि जिसमें आप ऑब्जेक्टिवली काम ना कर सकें अपनी सर्विसेज ऑब्जेक्टिवली क्लाइंट को ऑफर ना कर सके इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं एडवोकेसी थ्रेट ये होता है कि आप क्लाइंट को उस लेवल तक प्रमोट करें कि आपकी अपनी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाए अगर लेट से मैं आपके सामने एक बुक लेके आऊं कैफ एड की और मैं कहूं कि 100 परसेंट मैं आपको गारंटी कर रहा हूं इस बुक को एक दफा पढ़ रहे आप पास हो जाएंगे तो इससे मेरी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाएगी कि शायद इस बुक के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट है राइट पोलिटिकली आप देखते होंगे वैसे देखते होंगे कि लोग किसी चीज की तारीफ के इतने पुल बांध देते हैं कि हमें वो अनरियलिस्टिक लगना शुरू हो जाता है कि इसको ले आए मुल्क ठीक हो जाएगा हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो ऐसी बात जब चार्ट अकाउंटेंट करेगा अबाउट क्लाइंट लेट्स उसके शेयर प्रोमोट करे कि जी इससे बेहतर शेयर तो है ही नहीं मार्केट में इस लेवल तक प्रमोट करें क्लाइंट को कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाए यह होता है एडवोकेसी थ्रेट फेमिलियरिटी आपको पता है लॉन्ग और क्लोज एसोसिएशन नॉर्मली हम इसको रिलेशनशिप या नंबर ऑफ ईयर से लेते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर इंक्रीज होते जाते हैं क्लाइंट पे हमारी फेमिलियरिटी क्लाइंट से फेमिलियरिटी थ्रेट इंक्रीज होता जाता है इसका मतलब यह है कि हम ऑब्जेक्टिवली इस क्लाइंट को ऑडिट नहीं कर पाएंगे इंटिमिटेशन थ्रेट इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जी इंटीमिटेशन थ्रेट क्या होता है कि क्लाइंट की तरफ से आप या तो एक्चुअल या परसीव्ड थ्रेट फेस कर रहे हैं जैसे आप गए क्लाइंट पे आई एफ आर एस नाइन का आपने कुछ डिस्कलोजर चैलेंज किया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का अभी आपने पेपर भी नहीं पास किए यू आर ट्रेनिंग स्टूडेंट सी एफ ओ साहब ने आपको कहा कि अच्छा आप मुझे चैलेंज करेंगे आई एफ आर एस नाइन पे मुझे तो क्वालिफाई किए फिफ्टीन ईयर्स हो गए मैं तो आई के में ट्रेनिंग भी करवाता हूँ आई एफ आर एस नाइन पे तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि ये डिस्क्लोजर ठीक नहीं है दिस इज इंटिमिडेशन दिस इज इंटिमिडेशन तो इंटिमिडेशन की काफी फॉर्म्स हो सकती हैं आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी इसकी दिखाता हूं लेकिन उससे पहले आई डिस्कस विद यू सेल्फ रिव्यू थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट आपने समझना है कि ये हर सर्कमस्टांसेस में अराइज नहीं होता इसको जरा समझना है जी आप लोगों ने इसको देख ले फिर आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा लेट्स से जी आपने नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दी है। मैं स्नैरियो बना रहा हूं नॉन अश्योरेंस सर्विसेज, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज की कोई एग्जांपल दे सकते हैं टैक्सेशन बुक कीपिंग उसके बाद फिर अब इसको मैं इसका निमोनिक लिख रहा हूं एन ए एस उसके बाद आपने नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दी नेक्स्ट ईयर दिस इज से 2020 दिस इज 2021, सेल्फ रिव्यू थ्रेट थ्रेटराइज नहीं होगा राइट right? एक और सिनेरियो बनाते हैं जी आपने नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दी उसके बाद आपने इसको एंड पे रखेंगे आपने अश्योरेंस सर्विसेज दी उसके बाद आपने नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दी लेट से 2020 में आपने ऑडिट किया 2021 में आपने बुक कीपिंग की सेल्फ रिव्यू राइज नहीं होगा राइट right? उसके बाद नेक्स्ट एरियो देखें जी आपने 2020 में ऑडिट किया अश्योरेंस सर्विसेज दी और उसके बाद फिर आपने अश्योरेंस सर्विसेज दी 2021 में ऑडिट किया 2020 2021 सेल्फ रिव्यू थ्रेटराइज होगा जी नहीं होगा सेल्फ रिव्यू थ्रेटराइज कब होगा आप जरा इसको देखें आपने नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दी लेट्स से बुक कीपिंग की -पिंकी. उसके बाद आपने अश्योरेंस सर्विसेज दी अभी भी सेल्फ रिव्यू थ्रेटराइज नहीं होगा अगर ये 2020 में काम किया मैंने ये 2021 में किया सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है राइज ना हो बहुत स्टेब्लिश करना पड़ेगा हमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट के लिए लेकिन सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज तब होता है जब इन नॉन एश्योरेंस सर्विसेज का सब्जेक्ट मैटर अश्योरेंस सर्विसेज का भी सब्जेक्ट मैटर हो यानी जो काम आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज में आपने किया है उसी को आप ऑडिट कर रहे हैं चेक कर रहे हैं ड्यूरिंग योर एश्योरेंस सर्विसेज राइट? Right? तब जाके आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज होता है पीरियड मैटर करता है सब्जेक्ट मैटर भी मैटर करता है पीरियड जरूरी नहीं अगर पीरियड डिफरेंट भी है ना तो क्या आपकी नॉन अश्योरेंस सर्विसेज में जो आपने एक्टिविटी की वो अश्योरेंस सर्विसेज का सब्जेक्ट मैटर है यानी अश्योरेंस सर्विसेज उसको ऑडिट या रिव्यू कर रही है चेक कर रही हैं जी अगर वो किसी तरह सब्जेक्ट मैटर बन जाता है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेटराइज हो जाएगा जी जनाब वो तो हमारे पास वेज है ना देखें थ्रेटराइज हो जाता है अब थ्रेटराइज होने का मतलब ये नहीं है कि हमने ये इंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करनी देन वी ब्रिंग डाउन द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल ठीक है वहां तक हम आते हैं चले जी अब देखें जी इसी के साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्विकली एक छोटा सा फ्लो चार्ट जो आपको गाइड करेगा कि आपने आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है इट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखिए दुनिया में दो तरह की रेगुलेशंस होती हैं एक होती है रूल बेस्ड एक होती है फ्रेमवर्क बेस्ड आप अभी तक रूल बेस्ड और फ्रेमवर्क बेस्ड दोनों रेगुलेशन पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट इज रूल बेस्ड जो लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा जो नहीं लिखा हुआ वो अलाउ है टैक्स लॉज रूल बेस्ड टैक्स में जो बात लिखी हुई है वो एप्लीकेबल है जो नहीं लिखी हुई वो आप कर सकते हैं लेकिन कोड ऑफ एथिक्स फ्रेमवर्क बेस्ड है इसमें सब कुछ नहीं लिखा जा सकता थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्नैरियोज हैं जो नहीं लिखे जा सकते इसलिए ये फ्रेमवर्क बेस्ड है ऑडिट आईएसएज फ्रेमवर्क बेस्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क बेस्ड राइट तो ये फ्रेमवर्क बेस्ड है और ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसकी इंपॉर्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग योर आंसर तो आपने आंसर को सॉल्व करने के लिए ये फ्लो जो है इसको यूज करना होता है अब देखने में ये आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन है नहीं मैं आपको बताता हूं कैसे तो पहले तो वो बताता है जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या इट इज सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी ऑफ योर बुक आपकी बुक में भी है सेक्शन तो पहले तो ये इसकी समरी है कि वो पूरा सेक्शन आपको बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है आप इसको रीड कर सकते हैं right? राइट तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों है जी ये सेट आउट रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन मटीरियल डिटर्व फ्रॉम कंक्लूडिंग द सिचुएशन इज दिचुएशनिड बिकॉज नॉट प्रोहिबिटेड बाई कोड यानी कोई ऐसी सिचुएशन जो कोर्ट में नहीं लिखी हुई हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि ये अलाउड है राइट right? हम हमें ये फ्रेमवर्क अप्लाई करना है उस हाउ टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है अलर्ट रहना है हमने चेंज इन इंफॉर्मेशन पे और एक टेस्ट होता है रीजनेबल इनफॉर्म पार्टी टेस्ट सुना है पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं पढ़ा अच्छा किया अब पढ़ ले ठीक है रीजनेबल इनफॉर्म पार्टी टेस्ट ये होता है कोई ऑडिटर जो है रीजनेबल इनफॉर्म पार्टी सर्च करने नहीं निकल जाता वो क्या करता है कि जो सरकम उसके सामने होती हैं उन सरकम को सोचता है कि अगर एक रीजनेबल इंफॉम पार्टी होती तो वो यहां क्या डिसीजन लेती जैसे हम नहीं सोचते कि मेरी जगह कोई और रीजनेबल बंदा होता वो क्या करता ये रीजनेबल इन्फॉर्म पार्टी है ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में निकल जाएंगे बोर्ड लेके कि रीजनेबल इन्फॉर्म पार्टी है मैंने ये उससे कोई डिसीजन करवाना है ऐसा नहीं है डिसीजन आप खुद ले रहे होंगे क्यों जरूरत है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की स्पेसिफिक थ्रेट अराइज करते हैं बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेज और बहुत सर्कमस्टांसेज हैं आप सबको डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अप्लाई करते हैं अब देखें एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा वो कहेगा जी स्पाउस या क्लोज रिलेटिव जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसके शेयर होल्डिंग है ही सी एफ ओ ही ऑल्सो होल्ड शेयर इन एक्स वाई जी कंपनी और आप ऑडिट करने जा रहे हैं तो बताएं जी थ्रेट्स तो स्टेप वन क्या होता है <coughs> आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट यह क्वेश्चन का स्टेप वन होता है सबसे पहले आपने थ्रेट आइडेंटिफाई करना थ्रेट आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उस थ्रेट को इवेल्यूएट करना होता है कि क्या यह थ्रेट एक्सेप्टेबल है या नहीं है यह स्टेप टू होता है आपका क्वेश्चन में अब मुझे एक बात बताएं एक क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि स्पाउस ऑफ पार्टनर होल्ड्स शेयर्स इन एन ऑडिट क्लाइंट कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन नहीं है उसमें तो आप स्ट्रेट अवे कहेंगे डिस्कालीफाइड है कोर्ट ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है स्पाउस ऑफ पार्टनर होल्ड्स शेयर इन एन ऑडिट क्लाइंट ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं है क्यों अनएक्सेप्टेबल है अगर स्पाउस के पास पांच शेयर्स है नंबर बताया है किसी ने आपको टेन शेयर्स हंड्रेड शेयर है कहां से देखेंगे क्वांटिटी प्रोवाइडेड ही नहीं है एग्जाम में इसीलिए इवेल्यूएशन का स्टेप आता है बहुत सारे ऐसे स्नेरियोज हैं जिसमें यह क्लियर नहीं होता कि थ्रेट एक्सेप्टेबल है या नहीं है यू हैव टू इवेल्युएट दो स्नेरियोज यह आपका स्टेप नंबर टू होना चाहिए क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स नॉर्मली स्किप करते हैं फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट होल्डिंग शेयर इन एन ऑडिट क्लाइंट लीड टू सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइट उसके बाद आप क्या करेंगे यू विल इवेल्यूएट अगर तो आपके पास क्लियरली लिखा हुआ है कि टेन थाउजेंड शेयर है ट्वेंटी थाउजेंड शेयर है वन मिलियन शेयर है आप क्या आपको इवेल्यूएशन की जरूरत नहीं है थ्रेट इज अनएक्सेप्टेबल लेकिन अगर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि शेयर होल्डिंग है यू हैव टू राइट वन टू टू लाइन फॉर इवेल्युएशन दैट वेदर थ्रेट इज एक्सेप्टेबल और नॉट ये बात याद रखें सेफ गार्ड्स उन्हीं थ्रेट्स में लगते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हर थ्रेट में सेफ गार्ड्स नहीं अप्लाई करते हम जो एक्सेप्टेबल है उसको डॉक्यूमेंट करें और जाने दें जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसमें सेफ गार्डस अप्लाई करें सो स्टेप नंबर टू इज इवेल्युएशन बट नॉट इन ऑल केसेस अगर आपके पास एक डेफिनेट रिलेशनशिप है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है तो इवेल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है जी इवेल्युएशन करने के लिए ये सारे पॉइंट्स आप यूज करते हैं क्वेश्चन में नहीं प्रैक्टिकली क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन जैसे शेयर होल्डिंग की बात है तो हम लिखेंगे कि वी विल इवेल्युएट वी विल इवेल्युएट दैट वेदर थ्रेट क्रिएटेड ड्यू टू शेयर होल्डिंग ऑफ स्पाउस इज एक्सेप्टेबल और नॉट इफ थ्रेट इज नॉट एक्सेप्टेबल

एलिमिनेट और रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय या तो रिलेशनशिप छोड़ दें अब रिलेशनशिप छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है अगर स्पाउस के शेयर होल्डिंग है तो क्लाइंट के लिए रिलेशन तो नहीं छोड़ सकते ना क्या करें एक्शन ले तो कोड ऑफ एथिक्स बात करते हैं एक्शंस की एक्शंस एक्शन वो कहते हैं दो तरह के होते हैं एक वो होते हैं जो एलिमिनेट कर देते हैं थ्रेट को जैसे स्पाउस को कहीं शेयर होल्डिंग डिस्पोज ऑफ कर दे थ्रेट ही एलिमिनेट हो गया राइट right? अगर एक पार्टनर जा रहा है और उसका क्लोज फ्रेंड वहां सी एफ ओ है पार्टनर चेंज कर दें थ्रेट ही एलिमिनेट हो गया दूसरे एक्शन होते हैं सेफ गार्डस जो थ्रेट को रिड्यूस करते हैं राइट right? हेलमेट जो है वो सेफ गार्ड है वो एलिमिनेट नहीं करता इंजरी को एलिमिनेट करने के लिए आपको हेड रिमूव करना पड़ेगा वो आप कर नहीं सकते तो इसलिए यू यूज हेलमेट क्रिकेट खेलते हो तो ये सेफ गार्ड है राइट right? तो सेफ गार्ड क्या होते हैं वो रिड्यूस करते हैं आपके थ्रेट के लेवल को तो अब जब आप ये डिटर्मिन कर लेंगे कि थ्रेट इज नॉट एक्सेप्टेबल तो उससे आगे नेक्स्ट सेंटेंस या हेडिंग देंगे कि फॉलोइंग वुड बी अडोप्टेड इधर टू एलिमिनेट द थ्रेट और टू ब्रिंक इट टू ब्रिंक इट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल तो कुछ एलिमिनेशन वाले पॉइंट्स लिखेंगे जो अवेलेबल होंगे कुछ आप सेफ लिख लेंगे जो अवेलेबल होंगे तो देखें ये मेरे पास स्टेप नंबर थ्री है जो मैंने स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद जब मैंने सेफ लिखने हैं तो वो मेरे पास स्टेप नंबर फोर होगा तो कैन द थ्रेट एलिमिनेटेड अगर येस yes है डॉक्यूमेंट कर दें अगर नो no है तो डिक्लाइन या डिसकंटिन्यू कर दें एक्टिविटी यानी आप थ्रेट को आपने इन एनी केस एक्सेप्टेबल लेवल तक के ले आना so, रिपीट कर देता हूँ, आपके आंसर के फोर स्टेप्स हैं नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट नंबर टू मे और मे नॉट इवेल्यूएशन कहीं पे थ्रेट क्लियरली एक्सेप्टेबल होगा कहीं पे थ्रेट क्लियरली अनएक्सेप्टेबल होगा <laughs> जैसे एक्सेप्टेबल केस में एक दफा एक्मिनर ने पूछा कि जूनियर टीम मेंबर है और उसका दोस्त वहां पर पे पेबल पे या अकाउंट में लगा हुआ है अब जूनियर की वजह से कितना को थ्रेट आ जाएगा और वहां पे भी वो पेबल या अकाउंट्स के किसी रिमोट एरिया में उसका फ्रेंड काम कर रहा है तो थर्ड सिग्निफिक है जरूर बट एक्सेप्टेबल है तो अगर क्लियरली एक्सेप्टेबल है तो ये आप स्टेप टू करेंगे अगर क्लियरली अनएक्सेप्टेबल है फिर लिखेंगे <coughs> अब अगर अनएक्सेप्टेबल है तो यहां से स्टोरी आगे आएगी आएगी एंड यू विल मेंशन दैट वी विल अडॉप्ट फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन राइट और फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन को फिर दोनों को लिखना है एलिमिनेट करने वाले पॉइंट भी और सेफ गार्ड्स भी जी जनाब देखिए इसमें ना रिक्वायरमेंट्स में अभी आता हूं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कभी वो कहता है आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट पॉसिबल थ्रेट सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पुराने क्वेश्चन देखेंगे वो कहेगा आइडेंटिफाई कहेगाइडेंटिस्ट सेफ गार्ड पुराना जो कोड है जो आपने नहीं पढ़ा उसमें वो सिर्फ सेफ गार्ड्स की बात करता था अब एक्शंस की बात करते हैं या कोर्स ऑफ एक्शंस की तो इन माय ओपिनियन इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें बस एक बात का आपने ख्याल रखना है आपने बहुत ज्यादा जम्शन नहीं लेनी राइट right? अगर वो कहता है ना पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ थ्रेट बताएं थ्रेट आइडेंटिफाई करें तो आपने इधर उधर से अजम्पन्स ले कर नहीं थ्रेट फिट करने की कोशिश करनी जो सामने बन रहे हैं वही बनाने लेकिन इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ थ्रेट का एरिया इट्स एन ओपन एंडेड एरिया इस पर ना एक टाइम पे एग्जामिनर ने इसको क्लोज रखा हुआ था ट्वेंटी ट्वेंटी तक कि उसने एक सर्टन सेट ऑफ स्टेरियोज दिया हुआ था उसी के अंदर वो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछता था आहिस्ता आहिस्ता उसने वो स्नैरियो रिमूव कर दिए अब वो ओपन एंडेड हो गया कोई भी स्नैरियो वो फिट कर देता वो चाहे आपका फाइनल लेवल का क्यों ना हो मैं एग्जैक्ट सेक्शन आपको बता सकता हूं जो इस टॉपिक में टेस्ट हुए में लेकिन वो भी 70 परसेंट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं नॉट 100 परसेंट बट यू कैन स्टिल अटैम्प्ट 70 टू 80 परसेंट अगर वो फाइनल का भी कोई सेक्शन पूछ ले आपसे तो ऐसा नहीं है कि अटैम्प्ट नहीं हो सकता राइट right? यहां तक क्लियर है बात अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा पॉसिबल जो हमारे स्नेरियोज हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे एक सेफ गार्ड की मैंने समरी बनाई हुई अगर यहां पे हो तो सॉरी मोर देन वन थ्रेड हो तो आप बेहतर ये है मार्क्स को फॉलो करें अगर तीन चार नंबर का पार्ट है थ्री फोर मार्क्स का तो इतना अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है साथ में ही लिखते हैं लेकिन अगर बहुत कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है से टेन मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं जी दिस इज कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स ये आपकी आईकेब की बुक में है अगर नहीं है तो यह आपने जरूर इसको एक दफा रीड करना है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पे क्या एग्जांपल्स हैं जैसे डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट लो फी जो है आप कोट करें टू रिसीव द इंगेजमेंट टू गेट दी ऑप्टेन द इंगेजमेंट क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप हो हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पर्सनल गेन के लिए यूज़ करें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो जाएगा ये एग्जाम्पल्स हैं एग्जामिनर इन एग्जाम्पल्स को एज इट इज यूज़ करता है अपने स्नैरियोज़ में अगर आप सिग्निफिकेंट एरर डिस्कवर कर लें और फिर वो क्लाइंट को ना बताएं तो ये भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है कि आपको इंगेजमेंट आपकी कॉन्टिन्यू रहे सेल्फ रिव्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने पहले नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट की अब उसके ऊपर आप अश्योरेंस इंगेजमेंट दे रहे हैं एडवोकेसी थ्रेट देखें जी आप इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं आप क्लाइंट के लिए जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चले गए उसको डिफेंड करने के लिए या आप लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में तो इतना ये बहुत कम है बाहर आपको पता लॉबिंग फर्म्स होती हैं आप उनको हायर करते हैं लॉज जो है वो लॉबियस जो होते हैं वो सेनेट में जाके मैनिपुलेट करते हैं और वो लॉज जो है वो अपनी फेवर में लेजिस्लेशन करवाते हैं फमिलियरिटी थ्रेड देखें जी क्लोज और इमीजिएट फैमिली मेम्बर हो आपका वहाँ पे क्लाइंट पर डायरेक्टर ऑफिसर के हवाले से जो सिग्निफिकेंट ये आप रीड कर लीजिएगा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं जी लॉन्ग एसोसिएशन हो इंटिमिडेशन आपको वो कहें आपको हम डिसमिस कर देंगे आपको वो प्रेशराइज करें कि हमारी जजमेंट से एग्री करो जैसे अभी मैं सी एफ ओ की बात कर रहा था एक स्नहरियो में आपको फर्म इंटरनल इंटिमिडेशन ऑफ फर्म की तरफ से कि आपका पार्टनर कहे कि क्लाइंट को खुश करना है अदरवाइज आपकी प्रमोशन नहीं होगी इस तरह की बातें भी हो सकती हैं कि इस इस क्लाइंट को आपने ज्यादा तंग नहीं करना विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट और आपको सिग्निफिकेंट गिफ्ट ले लें और आपको बाद में ये लगे कि ये गिफ्ट कहीं पब्लिक ना हो जाए और क्लाइंट आपको इंटिमिडेट करे कि अच्छा आपको ये गिफ्ट दिया था तो ये अब फिर फॉर्म में भी बता सकता हूं मैं ये भी इंटिमिडेशन फॉर्म ऑफ इंटिमिडेशन होती है राइट right? तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स जी जी वो भी इंटिमिडेशन है वो भी इंटिमिडेशन है फर्म से भी आपको इंटिमिडेशन आ सकती है आए जी इसकी एक दो क्वेश्चंस को रीड करते हैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है और इन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट एग्जामिनर जो है वो क्या आंसर प्रोड्यूस कर रहा राइट right? अगर एग्जामिनर ने इवैल्यूएशन कहीं नहीं की हुई तो आप ये ना समझें कि आपको करने की जरूरत नहीं है राइट right? जहां इवेलुएशन रेलिवेंट है आपने इवेल्युएशन करनी है देखे ये जो सोल्यूशन होता है ये गाइडेंस के लिए होता है जरूरी नहीं कि आंसर स्क्रिप्ट भी है हो जो एग्जामिनर के पास हो फॉर चेकिंग योर आंसर राइट तो ये गाइडेंस पर्पज के लिए होता है आपने जो बेस्ट आपके पास कह लें कि कोर्स ऑफ एक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्टिंग योर आंसर आपने वही करना है रिक्वायरमेंट देखें जी इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ सी एज डिस्कस थ्रेट्स इन द अब सजेस्ट अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड ये टर्म जो है मैंने आपको बताया एक अम्ब्रेला टर्म आ गई है एक्शंस लेकिन हमारा एग्जामिनर अभी भी कभी, कभी कभी इसको इग्नोर कर जाता है सो नाउ अम्ब्रेला टर्म इज एक्शंस और एक्शंस दो तरह के हैं वो एक्शंस जो एलिमिनेट कर दे थ्रेट को वो सेफ गार्ड नहीं है जो एक्शंस थ्रेट को एलिमिनेट करता है वो सेफ गार्ड नहीं होता सेफ गार्ड रिड्यूस करता है राइट right? तो ये वर्ड जो है ये दोनों के लिए ऑल्टरनेटिवली आपकी स्टेज पे यूज कर जाता है मे बी शायद एग्जामिनर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस मार्जिन देता है कि कोई बात नहीं ये डिफ्रेंसिएशन फाइनल पे इनसे पूछेंगे राइट right? तो फाइनल पे वो एक्शन ही यूज करता है देखिए जी तरार तारड हुसैन तारड इज एन इज द ऑडिट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ पेट्रो ट्रेवल लिमिटेड द चीफ एक्जेक्टिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म हुसैन दैट ड्यू टू लिक्विडिटी इशूज

तो उन केसेस में क्या आपका थ्रेटराइज होता है ये पूरा एक सेक्शन है जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन स्टिल आप इसको अटैप्ट कर सकते हैं आपके सामने है कि जब फाइनेंस में जाके लोग बैठेंगे तो उनकी फेमिलियरिटी भी डिवेलप होगी वहां पर दोस्ती बनेगी वो जो काम करेंगे वो आप ऑडिट में रिव्यू भी करेंगे और आपको इस काम से पैसे भी मिल रहे हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट भी है राइट तो आप ये थ्रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर एग्जामिनर ने दो लिखे हैं घबराना नहीं है उसने तीन लिखे हैं इक्वली फाइन यहां उसने कोई फोर्थ भी फिट कर दी है तो फिर भी नहीं घबराना आप जितने इस स्नेरियो में पॉसिबल थ्रेड्स जो एक्यूरेट है वो लिख सकते हैं वो लिखते हैं सोल्यूशन को देख के नहीं घबराना क्योंकि यहां पे बहुत सारे सोल्यूशन वो फिर उसी सेक्शन से ही कॉपी करता है अब आए मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूं ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है जी थक तो नहीं गए ये देखें जी अब ये कॉपी करके आया है वहां से सेल्फ रिव्यू थ्रेट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इट इज वेरी सिंपल क्रिएटेड फर्म ऑडिटिंग सेम एडवोकेसी दैट वुड आल्सो क्रिएट फर्म्स इंप्लॉय बाईट प्रमोट द करेक्ट पोजीशन अडॉप्टेड बाय देम अब ये वाला जो उसने कॉपी किया है इट इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन ये चले मैं अज्यूम करता हूं ये आप नहीं लिख पाएंगे फिमिलियरिटी आप लिख लेंगे राइट फिमिलियरिटी वुड बी क्रिएटेड एज एक् सेकेंडेड इंप्लॉइज विल बिकम टू फिमिलियर तो दो थ्रेड्स आप इजिली यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेल्फ इंटरेस्ट भी अगर आप फिट इन कर ले तो कर सकते हैं फॉलोइंग सेफ गार्ड सेफ गार्ड देखें जी कंडक्टिंग एन एडिशनल रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म बाय लॉन्ड पर्सनल अब मैं आपको ना एक लिस्ट ऑफ सेफ गार्ड अभी देता हूं क्योंकि आपके ना किसी जगह पर भी सेफ गार्ड्स अवेलेबल नहीं है बुक में तो मैं आपको एक लिस्ट ऑफ सेफ देता हूं वो एक दफा आप रीड कर लीजिएगा उसमें से मेजोरिटी सेफ गार्ड्स आप डिफरेंट स्टेरियोज में यूज कर लेंगे ठीक है अभी मैं यहां अपलोड नहीं कर सका तो मैं आपको चलिए मैं यहां से डिस्कोनेक्ट करके ना अपलोड करके फिर आपसे शेयर कर देता हूं ठीक है ठीक है शेयर कर दूंगा यही सेफ होंगे कोई फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेफ हैं जो आपके डिफरेंट क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं नॉट इंक्लूडेड ड्रोन पर्सनल एज एन ऑडिट टीम मेंबर राइट नॉट गिविंग लोन पर्सनल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन प्रोवाइडिंग सच असिस्टेंट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नॉट अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ये जो सेफ है ये हर उस जगह यूज हो जाता है जहां पर आप नॉन अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं बुक कीपिंग कर रहे हैं लोन स्टाफ दे रहे हैं टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे रहे हैं आप हर उस जगह पे ये वाला सेफ गार्ड लेख सकते हैं जहां जहां सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा वहां पे आप दो तीन सेफ बड़े क्लियर हैं जो आप लिख सकते हैं सेल्फ रिव्यू के केस में उस रेलिवेंट पर्सन को लेके ना जाए एलिमिनेट हो गया उसके वर्क को रिव्यू करें रिड्यूस हो गया तीसरा क्या है जिस वजह से उसे सेल्फ रिव्यू रिव्यूराइज हो रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट उसकी रिस्पोंसिबिलिटीज ऐसे स्ट्रक्चर करें कि उस एरिया को वो ऑडिट ना कर रहा हो ये तीन आप इन एनी सेल्फ रिव्यू थ्रेट आप लिख सकते हैं तो इस एरिया की आपने बार-बार प्रैक्टिस -बार करनी है इससे ये होगा कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि आपने किस तरह से सेफगार्ड्स लिखने और सेफगार्ड आप देखेंगे 10 टू 15 क्वेश्चंस के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे 80 90% आप देखेंगे वही सेफगार्ड्स हैं सर इज इट ट्रू जहाँ भी सेल्फ रिव्यू आए वहाँ फेमिलियरिटी भी आए <coughs> नहीं ज़रूरी नहीं है जी जरूरी नहीं है देखें कोड खुद से नहीं लिखना किसी ने भी जो कोड में लिखा होता है हम स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं अगर कोड में कहीं लिखा है कि सेल्फ रिव्यू के साथ फेमिलियरिटी भी आ रहा है तो हो सकता है आ जाएगा लेकिन हर जगह सेल्फ रिव्यू के साथ आपने फेमलियरिटी फिट नहीं करना जरूरी नहीं है क्लियर जी चलें जी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अब ये क्वेश्चन देखें जी इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट देख लेते हैं फिर हम चैप्टर फोर्टीन पर मूव करते हैं थ्री एंड देन फोर्टीन फोर्टीन करके जाएंगे जी आप थक तो नहीं गए ना फोर्टीन जल्दी हो जाएगा आइडेंटिफाई थ्रेट्स या कुछ कर लेंगे बाकी आगे टेकअप कर लेंगे आइडेंटिफाई थ्रेट विच में अराइज एंड इवेल्युएट देयर सिग्निफिकेंस देखें माई फेवरेट रिक्वायरमेंट कभी कभी वो कह जाता है सोल्यूशन में बेशक ना लिखे उसके दिमाग में जरूर होता है कि वेल्युएशन भी जरूरी है कौन कह रहा है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह रहा है ऑल्सो रिकमेंड कोर्स ऑफ एक्शन अब देखें एक्शन पे आ गया ठीक है तो ये चीजें आपने जरा होलिस्टिक व्यू में देखनी है बिल्कुल वो नहीं देखना कि बस सेफ गार्ड है तो सेफ गार्ड ही सोच लिया तो जरा होलिस्टिक व्यू में देखें कि ये देखें कि आप कोर्स ऑफ एक्शन और देखें मिटिगेटिंग एक्शन अब उसने डिफ्रेंशिएट किया

ये जो हमने वहां पे स्टेरियूज डिस्कस किए ये हो सकता है उनमें हो जो अभी बुक से मैंने आपको डिस्कस करवाए या ये फिर कोड ऑफ एथिक्स में कहीं ना कहीं लिखा होता है अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप क्या अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जी सोचें एम्प्लॉयमेंट ऑफर जो आती है अगर आपने एक्सेप्ट नहीं भी करनी तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड टू ऑब्जेक्टिविटी और क्या हो सकता और कोई थ्रेट हो सकता है चले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो एड डिस्पाइट द फैक्ट के आप इसको चाहे एक्सेप्ट ना भी करें तो रोमन वन देख लेते हैं जी ये देखें जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो एविडेंट है वेन मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम में ज्वाइन ऑडिट क्लाइंट अब ये एक्जेक्ट सेक्शन है कोर्ट का जो आपके कोर्स में नहीं है राइट right? ये एग्जैक्ट सेक्शन है ये उसकी वर्डिंग है वहां से ये कॉपी पेस्ट हुआ हुआ आंसर लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है नहीं वर्डिंग आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई वाली बात, है। असल में उस आसान सोल्यूशन बनाने का तरीका यही है ना कि वहां से मेजर पार्ट ऑफ आंसर ले लें क्योंकि वो ठीक आंसर भी वही होता है लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि डिस्पाइट द फैक्ट कि ये प्रॉपर सेक्शंस है उस कोड के आप फिर भी सेवेंटी एटी परसेंट आंसर यहां से बना सकते हैं अब जरा आप इसको रीड करते हैं देखते हैं क्या आप इसमें से नहीं लिख सकते यू सक्सेसफुली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेट विल क्रिएट वैन अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम मे ज्वाइन ऑडिट क्लाइंट इन नियर फ्यूचर एज हर डिसीजन मेकिंग एंड ऑब्जेक्टिविटी में इंपेयर्ड ड्यू टू पोटेंशियल इंप्लायमेंट विद द क्लाइंट आप कह रहे हैं मैंने ज्वाइन नहीं करना लेकिन जैसे आर्टिकल्स कंप्लीट होंगे जो भी पहली ऑफर आएगी आप चले जाएंगे क्योंकि उस टाइम मोटिवेशन यही होता है कि गाड़ी और सैलरी मिलनी चाहिए इट नीड्स टू बी इंश्योर्ड दैट रिफ्यूजल हैज फॉर्मली कम्युनिकेटेड अब यहां से जनरल आंसर स्टार्ट हो रहा है इट हैज नथिंग टू डू विद कोड कम्युनिकेटेड टू ऑडिट मैनेजर बिफोर प्लानिंग हर इन ऑडिट टीम वेन इट हैज बीन इंश्योर्ड दैट शी वॉन्ट बी एक्सेप्टिंग ऑफर देन नो थ्रेट वुड बी क्रिएटेड एंड शी शुड बी मेड पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम इफ इट कैन नॉट इन्श्योर दैट फिजा विल नॉट एक्सेप्ट इंप्लॉयमेंट ऑफर शी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दीम क्योंकि थ्रेट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा और इसका सिर्फ एक ही सेफ गॉड है सेफ गार्ड है कि फिजा को ही टीम का पार्ट ना बनाए अब देखें यहां पे इसने एम्प्लॉयमेंट की ऑफर के बाद एजम्पन्स ली कि क्या वो एक्सेप्ट करेगी या वो एक्सेप्ट नहीं करेगी अब आप चले आप इतनी बड़ी अजम्पशन नहीं ले सकते इतना तो आप लिख सकते हैं ना कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा वी नीड टू इंश्योर दैट वेदर शी वुड बी ज्वाइनिंग और नॉट इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना देखिए एम्प्लॉयमेंट आई प्रैक्टिकली सोचें इंप्लॉयमेंट ऑफर आई प्रैक्टिकली सोचें कि क्या उन्होंने ज्वाइन करना है या नहीं करना आप इन स्टैरियो में होते तो क्या करते हैं पार्टनर को तो यही कहते मैंने नहीं जाना अंदर ही अंदर उनको कह देते सीट खाली रखे मैं आ रहा हूं बस जरा मैं मुझे ऑडिट लपेटने दे राइट right? तो इसीलिए अगर इस चीज के चांसेस हैं कि शी विल ज्वाइन द क्लाइंट देन द ओनली सेफ गार्ड अवेलेबल इज रिमूवल ऑफ फिजा फ्रॉम ऑडिट टीम ठीक है एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी क्वेश्चन ऐसे वापस चलते जाना है और ऐसे करते जाना है टेन फिफ्टीन क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटी टू नाइनटी परसेंट क्वेश्चन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स जी जनाब देखिए उसने ये कहा है ना कि ज्वाइन नहीं करेगी क्या उसने कोई रिटर्न उनको रिफ्यूजल दी है देखिए आपको पता है ऑफर की रिफ्यूजल भी रिटर्न में होती है आप आएंगे ना जॉब में आपको जब रिटर्न ऑफर आएगी तो आपने खामोशी नहीं इख्तियार कर लेनी फिर आपने रिटर्न रिफ्यूजल देनी है स्पेशली इन केस ऑफ एथिक्स तो अगर उसने इस क्वेश्चन में लिखा होता ना कि शी हैज फॉर्मली कम्युनिकेटेड टू द क्लाइंट दैट शी वुड नॉट बी ज्वाइनिंग फिर हम कह देते देयर इज नो थ्रेट बिकॉज फॉर्मल रिटर्न वो होगी हम स्टार्ट यहीं से करते कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है जब जॉब ऑफर आती है एम्प्लॉयमेंट ऑफर आती है बट इन दिस सिनेरियो फिजा हैज

रीजनेबली एंटिसपेटिंग प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट या चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट एग्जामिनर नहीं पूछेगा इस्तीफा सो दिस इज प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट में थ्योरेटिकली दो स्टेप्स होते हैं जी यह याद रखना है अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ एथिक्स जब आप एक्सेप्टेंस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट हो रही है थ्योरेटिकली स्पीकिंग दो स्टेप्स होते हैं फर्स्ट क्लाइंट एक्सेप्टेंस सेकेंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सिंगल स्टेप होता है कोई भी क्लाइंट आपके पास आए वो कहे मुझे कबूल कर ले काम आपसे कोई नहीं करवाना तो आपका क्या जवाब होगा आप कहेंगे भाई क्यों हमसे मेहनत करवानी है ये वाले काम क्यों करवाने हैं हमसे सो प्रैक्टिकली ये दोनों स्टेप एक वक्त होते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस थ्योरेटिकली ये दो डिफरेंट स्टेप्स हैं आप क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले देखते हैं कि इंटेग्रिटी प्रोफेशनल बिहेवियर इंटैक्ट रहेंगे आप इवेल्युएट करते हैं थ्रेट देखते हैं कि क्लाइंट कौन है इसके वाले से इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या क्लाइंट कॉरपोरेट गवर्नेंस को, को आ, करता है फॉलो इंटरनल कंट्रोल्स को भी यूज करता है ये आप क्लाइंट एक्सेप्टेंस के टाइम पर देखते हैं फिर आप इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस लेट से अब क्लाइंट ने आपसे ऑडिट करवाना है तो आप देखते हैं थ्रेड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल सच एज सेल्फ इंटरेस्ट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ये तो अराइज नहीं हो रहे आप इवेलुएट करते हैं लेवल ऑफ थ्रेट बाई यूजिंग फैक्टर्स सच एज नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ऑपरेशन पर्पज ऑफ इंगेजमेंट नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस विद रेगुलेट्री और रि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पॉलिसीज टू एक्सेप्ट इंगेजमेंट एग्जाम्पल ऑफ सेफ गार्ड्स क्या है जी आप ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों को उस ऑडिट पर लेके जाते हैं लेट से ये एक ऐसा क्लाइंट है जो माइनिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है तो आप उन लोगों को लेके जाएंगे जो जिनके पास माइनिंग इंडस्ट्री का एक्सपोयर होगा ये फाइनेंशियल सेक्टर का क्लाइंट है उन लोगों को लेकर जाए जिनके पास फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर है और रियल स्टेक टाइम फ्रेम जो है उनके साथ सेट करें इससे कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपका प्रिजर्व होगा इंश्योर होगा रियलिस्टिक टाइम फ्रेम रियलिस्टिक टाइम फ्रेम कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट रखेगी ये कॉम्पिटेंस ड्यू केयर डिलीजेंस टाइमली डिलीजेंस राइट उसके बाद आ जाता है जी चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट Change in professional appointment में सबसे पहले जनरल पॉइंट है जी general point क्या है PA for predecessor auditor. नीचे legend दी है 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 नीचे दी मैंने PA for proposed accountant और for predecessor. जो जा रहा वो predecessor है या चला गया हुआ है जो आ रहा है वो प्रपोज है और जो करंट है वो एग्जिस्टिंग है आप इसके साथ ऑडिटर लगा सकते हैं वैसे ये टर्म्स अकाउंटेंट के कॉन्टेक्स्ट में जी तो चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट में सबसे पहले देखें जी जनरल जनरल देखें जी इफ पी यानी जो प्रपोज है जो आने वाला है इज आज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट क्लास एंड कर दें थक तो नहीं गए जी प्रपोज अकाउंटेंट को जब एग्जिस्टिंग ऑडिटर या अकाउंटेंट को रिप्लेस करने के लिए कहा जाए या वो टेंडर करे किसी असाइनमेंट के अगेंस्ट कंसीडर वर्क दैट इज दम्प्लीमेंट्री और एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री और एडिशनल वर्क का कॉन्सेप्ट पता है जी एग्जाम्पल दें जी क्या एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री वर्क कौन सा होता ठीक है ठीके? ऐसा काम जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट या ऑडिटर कर रहा है आपने उसके साथ कोई काम करना इसकी एग्जाम्पल आसान सी जो है वो ये है कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर घर बना रहा है मेन कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है आपने टेरेस गार्डन बनाना है तो आपको पता होना चाहिए ना क्या स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रही है इसी तरह अगर एक अकाउंटेंट ईआरपी इंस्टॉल कर रहा है ई आर पी इंप्लीमेंट कर रहा है आपने उसमें मॉड्यूल जाके इंप्लीमेंट करना है आपकी स्पेशलाइजेशन ये है तो आपको उस एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा क्योंकि एक स्पेसिफिक स्टेज होगी जिसमें जाके आप अपना मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से थ्रेट आ जाएगा टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कि अगर आपने उसके साथ कोऑर्डिनेट ना किया तो आप एच आर मॉड्यूल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे इसकी ये एग्जाम्पल है ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और एडिशनल वर्क टू द वर्क ऑफ ई ए मे क्रिएट थ्रेड टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये एक्जामिनर ऐसे स्नैरियो बना के टेस्ट कर सकता है कि ये ई आर पी है ये सारा किसी और ने इंप्लीमेंट करना है इसमें एच आर मॉड्यूल जो है ई आर पी में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं अगर आप अभी आर्टिकल्स में जाएंगे आप बड़े कॉम्प्रीहेंसिव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स देखेंगे उसमें रिसीवेबल होगा पेएबल होगा यानी सेल परचेज मॉड्यूल इन्वेंट्री मॉड्यूल होगा गवर्नेंस का मॉड्यूल होगा एच का मॉड्यूल होगा राइट बजटिंग होगा फाइनेंशियल फोरकास्टिंग इस तरह के उसके मॉड्यूल्स होंगे तो ये एच कोई और कर रहा है तो इसके लिए थ्रेट क्या है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर आप थ्रेट इवेल्युएट करेंगे और इसके इसमें सेफ गार्ड्स क्या होंगे के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें या इन्फॉर्मेशन अदर सोर्सेज से ले पहले तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं जो आपके प्रपोज अकाउंटेंट है वो ले एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट से इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लेगा जैसे कॉन्ट्रैक्टर की मैंने एग्जाम्पल दी तो कॉन्ट्रैक्टर इन्फॉर्मेशन लेगा तभी उसको पता चलेगा ना कि मेन कॉन्ट्रैक्टर का कंस्ट्रक्शन लेवल क्या है और मैंने कब आके आगेलट से उसमें टेरेस गार्डन इंक्लूड करना है अच्छा अब इसमें कम्युनिकेशन विद एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट और प्रपोज अकाउंटेंट

कि हमने क्या करना है हमने एग्जिस्टिंग या प्रेडिसर से बात करनी है अगर आप प्रपोज अकाउंटेंट है आप क्लाइंट से अप्रूवल लें अगर क्लाइंट अप्रूवल नहीं देता तो अदर सोर्सेस या अदर स्टेप्स लें कम्युनिकेट विद प्रपोज अकाउंटेंट यानी ये एग्जिस्टिंग के लिए वाइल्ड रिस्पॉन्डिंग एग्जिस्टिंग या प्रेडिससर जो जा चुका है कंप्लाई विद लॉज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद ऑनेस्टी कॉन्फिडेंशियलिटी भी उस पर अप्लाई होती है और डिपेंड करेगा इन फैक्टर्स पे, नेचर ऑफ़ एंगेजमेंट एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे, ऑडिट अवेयर बिफोर मेकिंग एक्सेप्टेबल डिसीजन तो आप क्या करेंगे अगर आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं यू विल कॉन्टेक्ट टू एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट जिसको आप रिप्लेस कर रहे हैं ऑडिटर या जो चला गया ऑडिटर आप उसे क्या कहेंगे या उससे इंफॉर्मेशन लेंगे उसके लिए क्लाइंट का कॉन्सेंट जरूरी है इफ क्लाइंट है अगर आप वो हैं तो आप आने वाले को इंफॉर्मेशन देंगे विद ऑनेस्टी अगर क्लाइंट नहीं देता कॉन्सेंट तो प्रपोज्ड अकाउंटेंट विल केयरफुली कंसिडरिंग रिफ्यूजल और फेलियर यानी जो प्रपोज अकाउंटेंट है वो देखेगा कि क्लाइंट जो है प्रीवियस ऑडिटर को मना कर रहा है कि इसको इंफॉर्मेशन नहीं देनी तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शुड आई एक्सेप्ट दिस ऑडिट आसान सी बात प्रियाडिकली रिव्यू करें जी अपनी एंगेजमेंट कॉन्टिन्यूंस को बस यही था और ये रिसेंटली जो है ये वाला सेक्शन टेस्ट हुआ एक लंबी सी सांस लें और मुझे बताएं यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस थोड़ा फ्रेश हो जाए थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है, ताकि आज का एजेंडा हम कंप्लीट कर लें फिर रिमेनिंग एजेंडा जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी यहां तक कोई क्वेश्चन जी एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम थोड़ी सी क्लास देखें वो कुछ ऐसी हमारी जो है वो इंगेजमेंट्स होती हैं जैसे अगर लेट से आपकी फर्म टैक्स कंसल्टेंसी भी दे रही है तो फिर ट्राइब्यूनल में या किसी टैक्स के केसेस में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करती है ना वो वहां पे एडवोकेसी थ्रेट आता है क्लाइंट की कोई भी पोजिशन को जब आप प्रमोट करेंगे ये एडवोकेसी थ्रेट है राइट right? इसके अलावा आप अगर अंडर राइटर्स हैं आप साथ ही अंडर का बिजनेस भी करते हैं शेयर अंडर का पता है ना जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू हो रहे होते हैं तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के पीछे अंडर खड़े होते हैं तो वो अंडर जो है बेसिकली अगर आप अंडर करें शेयर्स को प्रमोट करें देन इट्स अगेन एडवोकेसी थ्रेट चैप्टर फोर्टीन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ा सा आंखें खोल लें आपकी ट्वेंटी फाइव परसेंट रहेगी सेवेंटी फाइव परसेंट बंद होगी आँखें ठीक है जरा थोड़ा सा फोकस करें एनर्जी अपनी जरा वापस लेके आए कोई बात नहीं ये कुछ हफ्तों की बात है और उसके बाद फाइनल मिला लें तो मेरे ख्याल में थ्री इयर्स थ्री इयर्स और देखें आप फिर क्वालिफाइड और फिर तो स्काईज लिमिट राइट तो हिम्मत करें जी सेवन हंड्रेड का एजेंडा देखें जी ये नीचे जो मैंने टॉपिक्स इन लिस्ट किए हुए हैं ये सारे मैं आपको ब्रीफ फ्लो चार्ट से कराऊंगा एक मिनट में आपके रिवाइज हो जाएंगे लेकिन जो आपका 700 है उस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट बातें आपको क्या पता होनी चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है सो देर आर टू ब्रॉडर टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क एक जनरल पर्पज फ्रेमवर्क होता है दूसरा स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क होता है स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क आपके कोर्स में नहीं है उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके कोर्स में नहीं है फाइनल में आएंगी जनरल पर्पज की दो टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं जी फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फेयर प्रेजेंटेशन व्हाट इज कंप्लायंस जनरल पर्पज फ्रेमवर्क वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दो एट्रीब्यूट्स अलाउ करता है जिसकी वजह से वो फेयर प्रेजेंटेशन बनता है वो कहता है कि जी अगर एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं जितने मैं रिक्वायर कर रहा हूं फ्रेमवर्क मे इन लाइट से हम आईएफआरएस की बात कर लेते हैं जन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ये कहता है कि अगर एडिशनल डिस्क्लोइर दे के आप फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर सकते हैं तो आप करें और अगर आपका आपके लिए डिपार्चर जरूरी है तो आप डिपार्चर भी कर सकते हैं कंप्लायस ही अलाव नहीं करता तो ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद आपको एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट पता होना चाहिए अब ऑडिटर्स रिपोर्ट में वो आपको ये नहीं कहेगा ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्राफ्ट करें मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्ट करें ये नहीं करेगा लेकिन वो आपसे जो सीक्वेंस है रिपोर्ट दे उसकी सीक्वेंस इन्वर्स कर दे चेंज कर दे राइट या कोई ब्रीफ सी ड्राफ्ट की हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, का सेक्शन दे और कहे कि इसको चेक करें इसमें कोई एरर तो नहीं है और एरर वो कोई बिग बड़ा एरर करेगा ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामेटिकल एरर करेगा इज आर एम का एरर करेगा ऐसा नहीं है कॉन्सेप्चुअल एरर करेगा उसमें तो ये आपको दूसरी बात पता होनी चाहिए तीसरी बात है आपको डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट का पता होना चाहिए कि वेन यू कैन असाइन ऑडिट रिपोर्ट डेट ऑडिट रिपोर्ट पे डेट कब स्टैंप कर सकते हैं उसके लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं क्या हैं जी वो दो कंडीशंस sufficient appropriate audit evidence has been obtained, financial statement has been approved by the approving authority जो पाकिस्तान में board ये दो conditions meet होनी चाहिए तीसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो एक्सटेंडेड सेक्शन है उसको आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ कर सकते हैं एक्सटेंडेड सेक्शन पता है शेडेड ब्लैक शेडेड एक सेक्शन है auditor रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी है उसमें एक एक्सटेंडेड सेक्शन है पता है दिया दिखा दूं नेक्स्ट ईयर में दे दें बॉडी ऑफ द रिपोर्ट दे दें और तीसरा क्या ऑप्शन है वेबसाइट वेब और वेबसाइट भी अप्रूविंग अप्रूव, अप्रूव अथॉरिटी की वेबसाइट को टिकटॉक का लिंक नहीं वहां पे पेस्ट कर देना ठीक है अप्रूव अथॉरिटी एससीपी की वेबसाइट एसबीपी की वेबसाइट राइट बिल्कुल ठीक है जी आई कैप कोटा जो है वो काफी एक्टिव है बाकी लोग नहीं रिप्लाई कर रहे बाकी ऑफिस से क्या चल रहा है आई डोंट नो जी डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट्स सिर्फ दो रिपोर्ट्स हैं सेवन हंड्रेड में और इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए राइट right? तो आपको यू कैन रिलेट वही दिखा रहा हूं तो डिफरेंस ठीक है जी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए आए जी आपको डिफरेंस दिखाते हैं जी तो यह डिफरेंस जो है ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जी तो ये यहां पर डॉक्यूमेंट किया हुआ है डिफरेंस दो तरह से होता है रिपोर्ट में एक होता है ड्यू टू लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट में डिफरेंस होता है और दूसरा डिफरेंस आता है रिपोर्ट में ड्यू टू फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क यह आपको पता होना चाहिए कि लिस्टेड और अनलिस्टेड अगर मैं फ्रेमवर्क सेम रखूं दोनों फेयर प्रेजेंटेशन रखूं इन केस ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड तो की ऑडिट मैटर लिस्टेड में आएगा अनलिस्टेड में कंपल्सरी नहीं है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो सेक्शन है यह स्टेटमेंट आएगी अनलिस्टेड में नहीं आएगी इसके अलावा फर्दर मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस यह भी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है यहां पे नहीं आएगी और इंगेजमेंट पार्टनर का नेम लिस्टेड में आएगा अनलिस्टेड में नहीं आएगा यह डिफरेंस क्लियर है अब आ जाते हैं फ्रेमवर्क का डिफरेंस फ्रेमवर्क में सबसे पहले ओपिनियन सेक्शन में डिफरेंस होता है यहां आप ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं यहां कहते हैं एज पर फ्रेमवर्क कंप्लायंस सेकेंड डिफरेंस बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में आता है यहां आई एस पी ए कोड ऑफ एथिक्स को मैंशन करते हैं रेफर करते हैं यहां आप नहीं करते क्योंकि ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है थर्ड डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट में आता है यहां आप वर्ड फेयर एड करते हैं यहां फेयर वर्ड नहीं होता कंप्लायंस में फेयर प्रेजेंटेशन होती नहीं है और नेक्स्ट डिफरेंस आता है ओवरऑल प्रेजेंटेशन फेयर प्रेजेंटेशन के लिए आप स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बट आप यहां पे नहीं देखते कंप्लायंस फ्रेमवर्क में तो फाइनल लेवल पे भी एग्जामिनर ने एक दफा ये टेस्ट किया हुआ है आपके लेवल पे वो कर सकता है ठीक है ये डिफरेंसेस क्लियर है चलो रिपोर्ट में कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन रिपोर्ट के वाले से रिपोर्ट के वाले से किसी का कोई क्वेश्चन इस दफा जी ये टॉपिक टेस्ट हो सकता है जी, इन माय ओपिनियन जो मैंने आपको एनालिसिस से ऑलरेडी बता दिया की ऑडिट मैटर्स Key audit matters की ऑडिट मैटर्स की डेफिनेशन देखें जी थ्री पॉइंट्स साइमल्टेनियसली मीट होने चाहिए मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर होना चाहिए करंट ईयर का मैटर होना चाहिए एंड थर्डली इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ऑडिट रिपोर्ट के टाइम पे आप जाके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को शॉक नहीं दे सकते कि लें जी ये दस की ऑडिट मैटर्स हम एंटर कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं रिपोर्ट में राइट right? जी दो मैटर्स इसमें ये दो पॉइंट्स जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं तो ज्यादा एफर्ट किस पे करने की जरूरत है मोस्ट सिग्निफिकेंट पे की ऑर्डर मैटर करके एंड कर लेते हैं क्लास ठीक है तो आप लोगों की जरा आपने तो कपड़ा ऊपर भी डाल दिया थोड़ी देर तक बिछा के सो जाना है आपने इधर ही ऐसे ही लग रहा है चले मोस्ट सिग्निफिकेंस ठीक है मोस्ट सिग्निफिकेंस पे एफर्ट करने की जरूरत है जी इस पर एफर्ट करनी है व्हाट इज मोस्ट सिग्निफिकेंस मैटरिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन एंड कैन बी आइडेंटिफाइड एट प्लानिंग स्टेज प्लानिंग करते हुए आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रेवेन्यू पे बड़ा टाइम लगना है राइट right? इनकी जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे बड़ा टाइम लगना है मलिक रियाज साहब का ऑडिट करने के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर बड़ा टाइम लगना है प्लाजे हैं उनके राइट right? या किसी और का नाम भी आप ले सकते हैं तो मोस्ट सिग्निफिकेंस पे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट इन तीन में से किसी एक रीजन में भी फॉल कर सकता है दिस मैटर वुड बी या माइट बी हायर असेस रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट इसमें हायर असेस रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट होगा देखें हमारी अटेंशन जो है वो हाई रिस्की एरियाज़ पे ज्यादा जाती है तो इट कुड बी हायर असेस रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट इट कुड बी अ मैटर विच रिक्वायर सिग्निफिकेंट जजमेंट जजमेंटल एरियाज जो होते हैं उन पे भी हमारी अटेंशन ज्यादा जाती है या सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजेक्शन जो है जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन या रिसेंट डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट नए स्टैंडर्ड्स आ गए आई एफ आर एस सिक्सटीन आ गया फिफ्टीन आ गया फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं ऑडिटर्स भी उन उनपे ज्यादा अटेंशन या ज्यादा टाइम एलोकेट कर रहे होते हैं तो अगर ये सारे फैक्टर से आप ना इसको आइडेंटिफाई करें तो आप बुक में चले जाएं सेक्शन 2.3 रीड करें एंड यूज करें प्रोफेशनल जजमेंट आई कैप के जो भी ये रेलिवेंट सेक्शन होगा उसका थ्री होगा अगर ये रेलिवेंट सिक्स है आई कैप की बुक में तो सिक्स पॉइंट थ्री होगा चैप्टर फोर्टीन है ना चैप्टर फोर्टीन में लेट से की ऑडिट मैटर सेक्शन फाइव है लेट से तो ये फाइव पॉइंट थ्री में लिखा होगा कुछ फैक्टर्स है क्या आपने सिग्निफिकेंस को डिटर्मिन करने के लिए उन फैक्टर्स को देख लेना अब सिग्निफिकेंस डिटर्मिन होगी सेक्शन प्रेजेंट कैसे करेंगे प्रजेंट इट एज ए सेपरेट सेक्शन और इसकी अप्रोप्रिएट सब हेडिंग्स भी देते हैं अगर मल्टीपल सेक्शन हो आप इसमें रेफरेंस टू डिस्कलोइर एड करते हैं आप इसमें जस्टिफाई करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट क्यू है और आपने इसको कैसे एड्रेस किया कैसे एड्रेस किया में क्या लिखते हैं जी हाउ इट वॉज एड्रेस्ड क्या लिखते हैं इसमें कभी ड्राफ्ट किया हुआ देखा है ड्राफ्ट हुआ हुआ ये देखा है आपने की ऑर्डेट मैटर देखा है ऑडिट प्रोसीजर्स लिखते हैं ठीक है ऑडिट प्रोसीजर्स जी की ऑडिट मैटर जो है वो सबस्टीच्यूट नहीं है आप मैनेजमेंट कहे कि हमसे एक डिस्क्लोजर स्किप हो गया की ऑडिट मैटर में ऐड कर दें नो no. अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है कोई आपको मशवरा दे कि इसको की ऑडिट मैटर में भी ऐड कर दें नो no. अगर आपने गोइंग uh, कंसर्न से रिलेटेड मटेरियल अनसर्टेनिटी मैटर देना है और आपको मशवरा दें कि की इन मैटर में इंक्लूड कर दें नो no. राइट right? उसके बाद जी इंट्रैक्शन विद अदर मैटर्स इंट्रैक्शन में ये देखें जी ये इंट्रैक्शन है जी 705 यानी आपकी मॉडिफाइड ओपिनियन के साथ क्या इंट्रेक्शन होगी इंट्रेक्शन का मतलब ये है कि अदर मैटर सेक्शन कैसे चेंज होगा व्हेन यू विल इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन यू विल इशू क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन

जिन मैटर्स पे आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं वो भी की ऑर्डेड मैटर्स ही हैं लेकिन उनको की ऑर्डेड मैटर सेक्शन में आप प्रेजेंट नहीं करते आप उनको कहां प्रेजेंट करते हैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में तो उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होती है मैं आपको दिखाता हूं क्या होती है और अगर आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं एंड देर आर नो अदर की ऑर्डेड मैटर्स एंड इसी तरह अगर आप मटीरियल अनसर्टेनिटी दे रहे हैं एंड देर आर अदर की ऑर्डेड मैटर्स या नो अदर की ऑर्डेड मैटर्स तो डिस्क्रिप्शन ऑफ की ऑर्डेड मैटर सेक्शन कैसे चेंज होगी ये अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा एंड इट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स ऐसा नहीं है कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिस्क्रिप्शन चेंज होती है एम्प से जो मैटर एंड की ऑर्डेड मैटर में डिफरेंस पूछ सकता एग्जामिनर डिफरेंस नहीं पूछेगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है ये मैं डिस्क्रिप्शन बता दूं फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ऑफ मैटर और की ऑर्डेड मैटर में क्या डिफरेंस है या आपने उनको कैसे सेपरेट लेके चलना है यह देखें जी अब जैसे मेरा कर्सर मूव करेगा आपने उधर गौर करना है फोकस करना है देखे अनमॉडिफाइड ओपिनियन है अनमॉडिफाइड ओपिनियन है राइट की ऑर्डेड मैटर्स यस की ऑर्डेड मैटर्स नो कंपनी क्या है लिस्टेड है यह भी तो हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी में कोई की ऑर्डेड मैटर ना हो सेक्शन आएगा अब देखें, अगर की ऑडिट मैटर्स है तो सेक्शन में आप यह लिख रहे होंगे की ऑडिट मैटर्स आर दो मैटर्स इन और प्रोफेशनल जजमेंट यह सारी स्टोरी लिखने के बाद यहां पे फिर आप इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर्स लिखते जाएंगे और अगर की ऑडिट मैटर्स नहीं है तो यही इतना सा ब्रीफ सेक्शन आएगा आप हेडिंग देंगे और आप लिखेंगे वी हैव दैट देर आर नो ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट यह क्लियर हो गया चले अब आ जाते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन में आप क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न दे रहे हैं इनमें से कोई एक हो सकता है या क्वालिफाइड एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी दोनों हो सकते हैं अदर की ऑडिट मैटर्स हैं यस और यही सिमिलर स्नेरियो है और अदर की ऑर्डिट मैटर्स हैं नो अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या डिफरेंस आएगा की ऑर्डेड मैटर सेक्शन में देखें ये सेम है जी जब की ऑर्डेड मैटर सेक्शन होगा तो ये इटैलिक में जो टेक्स्ट है ये और ये इटैलिक में जो टेक्स्ट है ये सेम है ये आपकी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है जो आपके चैप्टर में रिपोर्ट है उसमें भी लिखा हुआ है एडिशनल स्टेटमेंट आएगी वो ये होती है

तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन सेक्शन और मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन वी हैव डिटर्मेंड दैट देर आर नो की ऑर्डेड मैटर्स अब अगर आपको इन, इनको ऊपर नीचे कंपेयर करें तो बहुत आसान है देखें ये सेम है इटैलिक दोनों केसेस में जब की ऑर्डेट मैटर होगा और यहां पे देखें ये सेम है वी हैव डिटर्मेंड दैट देर आर नो अदर की ऑर्डेट मैटर्स वी हैव डिटर्मेंड दैट देर आर नो अदर की ऑर्डेट मैटर्स और रेफरेंस दे देना है आपने क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या मटेरियल अनसर्टेनिटी को रेफर कर देना आज का लास्ट पॉइंट जी इसी टॉपिक से रिलेटेड एंड इट इज रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग की ऑडिट मैटर सेक्शन इस सेक्शन को ड्राफ्ट कैसे करना है उसमें आपका राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए जब आप ऑडिट प्रोसीजर्स लिख रहे हैं यह बजरा देख लें थोड़ा सा कंफ्यूजन यह होती है यहां पे स्टूडेंट्स जो है ऑडिट प्रोसीजर्स लिखते हुए फ्यूचर के लैंग्वेज लिखते फ्यूचर टेंस लिखते फ्यूचर टेंस नहीं लिखना ये आप काम कर चुके हुए ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज हो रही है प्रोसीजर्स तो अप्लाई हो गए होंगे ना सो यूज पास टेंस वी इंस्पेक्टेड वी ऑबटेड राइट पास टेंस लिखें क्लियर लिखें क्या डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर रहे हैं और इसके अलावा स्टेड ऑफ वी आइडेंटिफाइड रिकनसाइलिंग जो आइडेंटिफाई किया वो लिखें टर्मिनोलॉजी सिंपल लिखें और इस तरह के वर्ड्स अवॉइड करें कि हमने वैलिडेट किया इंश्योर किया शोर किया रिव्यू किया ऑबटेन कंफर्टेबली या चैलेंज किया इस तरह के वर्ड्स ना लिखें सबसे इंपॉर्टेंट ये है पास टेंस लिखें ठीक है जी तो आपका जो की ऑडिट मैटर का सेक्शन है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है हेडिंग आती है उसके बाद ये अभी आपने जो डिस्क्रिप्शन देखी वो आती है राइट right? उसके बाद इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर आता है रेवेन्यू उस रेवेन्यू के नीचे आपका रेफरेंस टू डिस्क्लोजर आता है उसके बाद ऐसे टेबल बन जाता है ये ऐसे टेबल होता है ठीक है जी यहां पे आप लिखते हैं वाई इट वॉज डिटर्मेंड एज सिग्निफिकेंट यहां सारी सिग्निफिकेंट्स की बात करते हैं कि ये सिग्निफिकेंट क्यों था आप रिस्क की बेस पे सिग्निफिकेंट कर दें जजमेंट की बेस पे सिग्निफिकेंट कर दें जो भी रीजन होगी यहां आप लिखेंगे हाउ इट वाज एड्रेस्ड जी ये होंगे आपके एपीज ऑडिट प्रोसीजर्स दैट्स इट पास्ट टेंस में लिखने क्योंकि ये काम हम कर चुके हैं ये अब सिर्फ रिपोर्ट में इंक्लूड हो रहा है ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन इन परसों हमारा जो सेशन है उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसी सीक्वेंस में जो मैंने आपको बताए हैं ये मिनिमम ये कवर करेंगे एंड ओवर एंड अबव जो है वो वी विल ट्राई टू कंप्लीट 80 टू 90 परसेंट कोर्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ठीक है जी 80 टू 90 परसेंट अब हमारी जो रिविजन है वो ज्यादा जरा फोकस्ड हो जाएगी क्योंकि वो जो डिस्कशन से रिलेटेड एरियाज हैं या जिसमें रिवीजन थोड़ी हमारी आ, कम स्पीड से चल रही थी जैसे कंपनीज एक्ट हो गया कोड ऑफ एथिक्स हो गया वो हमने कर ली है स्ट्रेटजी हमने तकरीबन एक घंटे में तो अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस की तो नाओ इन इन थ्री आवर्स या मैक्सिमम जैसे आज हमने थ्री एंड हाफ आवर्स लिए हैं नेक्स्ट क्लास में हम अपना एटी टू नाइन्टी परसेंट कोर्स इसमें कवर करेंगे थैंक यू सो मच जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अदरवाइज मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज कल नहीं कल नहीं है ये परसों है सेवन आ, सेम टाइम सिक्स टू नाइन ठीक है जी थैंक यू जी थैंक यू